कमेंट्स यहाँ पे नहीं आ रहे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर इंग्लिश लैंग्वेज क्लास। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई होप आपको क्लास दिख रही होगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर इंग्लिश लैंग्वेज क्लास। जी शांता, दीपा दिख रहा है अब आपको? यशी अग्रवाल, यस आई एम हियर। होप आपको दिख रही हो वीडियो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अंशु, गुड इवनिंग मनीषा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ आर क्लास। एंड लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स जो डिस्कस करे थे, लाइक हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वाई वी टीच इंग्लिश, देन इंग्लिश से रिलेटेड हमारे कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको ब्लूम के बारे में दिया था, कॉग्निटिव क्या होता है, अफेक्टिव क्या होता है, साइको मोटर स्किल्स क्या होते हैं, एंड ऑल दोज थिंग्स। आवाज़ ठीक है। सो आज हम शुरू करेंगे लैंग्वेज स्किल्स के साथ। टुडे वी विल डिस्कस लैंग्वेज स्किल्स। सो इफ यू रिमेम्बर, हमने बिल्कुल पहली क्लास में डिस्कस करा था व्हाई वी नीड लैंग्वेज, हमें लैंग्वेज की। अंशु, ये इंग्लिश क्लास है हमारी, सीटेट इंग्लिश क्लास। जी अंजलि, गुड इवनिंग। सो एज आई सेड, टुडे वी विल स्टडी लैंग्वेज स्किल्स। हमने अपनी पहले इंट्रोडक्शन क्लास में हमने डिस्कस करा था कि लैंग्वेज क्या होता है, उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट, व्हाई वी नीड लैंग्वेज, हमें लैंग्वेज की क्यों जरूरत पड़ती है। हमने डिस्कस करा था व्हाई वी नीड लैंग्वेज, वी नीड लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। एंड फॉर सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यशी वेलकम टू क्लास, आपकी पहली क्लास है। यशी, हमने दो तीन टॉपिक्स कवर कर रखे हैं, लाइक मैक्सिम्स, प्रिंसिपल्स एंड दूसरे टॉपिक्स। इससे रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं, जिस पेज पे आपने लॉग इन करा है उसी पेज पे अवेलेबल है, तो वहां से आप थोड़ा सा देख सकते हो। प्लस इंग्लिश एक आपकी स्पेसिफिक लैंग्वेज है जो आपने L1 या L2 भरा होगा उस परस्पेक्टिव से। सो इंग्लिश की क्लास में हम दोनों सेक्शन कवर करते हैं। वी विल कवर पेडागोजी सेक्शन एंड वी विल कवर दी कॉम्प्रिहेंशन दैट विल इंक्लूड वोकैबुलरी, ग्रामर एंड ऑल थिंग्स। तो अभी हम पेडागोजी सेक्शन से हमने शुरू किया हुआ है, कुछ एक टॉपिक्स कवर हो चुके हैं हमारे, और आज हम शुरू कर रहे हैं लैंग्वेज स्किल्स के साथ। ठीक है, सो लैंग्वेज स्किल्स। स्किल्स पे आने से पहले लेट्स डिस्कस लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? भाषा। और इंग्लिश के परस्पेक्टिव से लर्नर्स की ये टारगेट लैंग्वेज है। लर्नर्स की दो तरीके की लैंग्वेजेस होती हैं, एक उनका मदर टंग और एक उनकी टारगेट लैंग्वेज। मदर टंग वो है जो वो अपने घर से सीख के आते हैं, अपने एनवायरनमेंट से सीख के आते हैं, एक्विजिशन के प्रोसेस से सीख के आते हैं, राइट। टारगेट लैंग्वेज वो है जो उनको स्कूल में सिखाई जाती है। टारगेट लैंग्वेज इज द एडिशनल लैंग्वेज विच इज टॉट इन द स्कूल। और हमारे आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से टारगेट लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, सो अब ये जो हम लैंग्वेज डिस्कस कर रहे हैं किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं? इंग्लिश के लिए। नाउ माय बेसिक, माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वी नीड लैंग्वेज, हमें किसी भाषा की, किसी लैंग्वेज की क्यों जरूरत पड़ती है? हमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है कम्युनिकेशन के लिए।
थैंक यू पूजा, थैंक यू फॉर योर फीडबैक. ठीक है, सो हमें लैंग्वेज की क्यों जरूरत पड़ती है? कम्युनिकेशन के लिए. एंड कम्युनिकेशन हमारा कहाँ पे हो रहा है? क्लास के अंदर. सो आप सारे इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स हैं और आप अपनी अपनी रिस्पेक्टिव क्लासेस में इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं. सो हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन किनके किनके बीच हो सकता है? बिटवीन टीचर एंड लर्नर, या फिर बिटवीन लर्नर एंड अनदर लर्नर. लर्नर आप समझ रहे होंगे, मैं स्टूडेंट के लिए यूज कर रही हूँ. एनसीएफ 2005 के प्रस्पेक्टिव से राइट टर्म क्या है? लर्नर. दे आर देयर इन द क्लास टू लर्न डिफरेंट थिंग्स, इसलिए हम टर्म क्या यूज कर रहे हैं? लर्नर यूज कर रहे हैं. ठीक है, सो क्लास में जो कम्युनिकेशन है किनके किनके बीच होती है? टीचर और लर्नर के बीच में, लर्नर और टीचर के बीच में. और जब हम टीचर्स हम क्लास के अंदर टास्क देते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज कराते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स कराते हैं, असाइनमेंट्स कराते हैं, तब ये कम्युनिकेशन किनके किनके बीच होता है? एक लर्नर और दूसरे लर्नर के बीच में. इसके लिए हमारा एक स्पेसिफिक टर्म है, पीयर कम्युनिकेशन. वी हैव अ स्पेसिफिक टर्म फॉर सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज टर्म्ड एज पीयर कम्युनिकेशन. कहीं कहीं ये आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन. तो एग्जाम के परस्पेक्टिव से आप इसको याद रखेंगे, जहां भी किसी भी क्वेश्चन में अगर पीयर कम्युनिकेशन टर्म यूज हुआ है या पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन टर्म यूज हुआ है, वहां पे किस तरीके कम्युनिकेशन की बात हो रही है? एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से बात कर रहा है. और एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से कब बात करता है? जब हम क्लास के अंदर एक्टिविटीज करा रहे होते हैं, डिस्कशंस करा रहे होते हैं, जैसे इंग्लिश की क्लास है और हम डिबेट कॉम्पिटिशन करा रहे हैं, हम एक्सटेम्पोर करा रहे हैं, हम ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करा रहे हैं, उस केस में क्या होगा? स्टूडेंट्स आपस में बातें करेंगे, जो हमने टास्क दिया है उससे रिलेटेड डिस्कशंस स्टूडेंट्स आपस में कर रहे होंगे. सो ये टर्म उसको रिप्रेजेंट करता है. वेयर इन, जी मैंने लर्नर लर्नर लिखा है अंशु मलिक, इसका मतलब मैं कहना चाह रही हूं कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से बात कर रहा है. दो तरीके की सिचुएशन होती है, जब आप पढ़ाते हो और आप अपने स्टूडेंट से आंसर्स पूछते हो, तो किसके बीच में बातचीत हो गई? टीचर और लर्नर के बीच में. पर मान लीजिए क्लास के अंदर आपने बोला है कि आज टुडे क्लास विल बी डिवाइडेड इनटू फोर सेक्शंस, चार ग्रुप्स बैठेंगे और हर ग्रुप एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर थॉट सोचेगा और एक आर्टिकल लिखेगा, और टॉपिक आपने दे दिया लेट्स से फ्रेंडशिप. तो ये जो चार बच्चे चार बच्चे चार बच्चे और चार बच्चे बैठे हैं, ये आपस में जो बातचीत कर रहे हैं वो किनके किनके बीच हो गई? एक स्टूडेंट और दूसरे स्टूडेंट के बीच में. इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है लर्नर और लर्नर. सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है टास्क या फिर एक्टिविटी इन द क्लास, जब बच्चे आपस में बात कर रहे हैं. और एग्जाम में अगर ये चीज लिखी हुई है, यानी वहां पे क्या फिट बैठेगा? पीयर कम्युनिकेशन, यानी क्लास के अंदर क्या हो रहा है? टास्क या फिर एक्टिविटी. ठीक है जी अंशु जी, ठीक है, क्लियर हो गया. सो ये मैंने शुरू करा था, लैंग्वेज हमें क्यों चाहिए? वी नीड लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन. एंड कम्युनिकेशन इज हैपनिंग वेयर? कम्युनिकेशन इज हैपनिंग इन आर इंग्लिश लैंग्वेज क्लास. और किनके किनके बीच में ये कम्युनिकेशन हो रहा है? बिटवीन टीचर एंड लर्नर और बिटवीन लर्नर एंड लर्नर. इतना क्लियर हो गया है हमें? ठीक है, अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं. अब जब हम ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन जब हो रही है क्लास के अंदर, दिस इन्वॉल्व्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक, मोड ऑफ कम्युनिकेशन.
आपने दो टर्म्स सुने होंगे, एक टर्म होता है वर्बल और एक और टर्म है नॉन वर्बल। आप में से कोई बताए व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दीज टू टर्म्स, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय वर्बल एंड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय नॉन वर्बल। आप में से कोई आंसर बताए वर्बल का क्या मतलब है और नॉन वर्बल का क्या मतलब है। जी, एनी आंसर्स? What do we understand by verbal and what do we understand by non-verbal? Any answers? जी, यशी कह रहे हैं verbal जो बोल के communication किया जा रहा है, verbal में लिखा होता है और non-verbal without written। जी अंशु, answer आधा सही है, यशी का आंसर भी आधा सही है, अंशु का आंसर भी आधा सही है। अंजलि, वर्बल जो हम वर्ड्स के साथ बात करते हैं, करेक्ट है अंजलि। पूजा, मनीषा, वर्बल कुछ भी बोलकर बताना एंड वर्बल बोल के एंड नॉन वर्बल बाय एक्शंस, नॉन वर्बल मींस थ्रू लेटर्स और चार्ट्स। ठीक है, हम इसको समझते हैं। देखिए, वर्बल यानी हमने बात कही है। बात दो तरीके से हम किसी को बता सकते हैं, या तो ओरल या फिर रिटन। और नॉन वर्बल यानी कुछ लेटर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है। नॉन वर्बल में क्या आ जाते हैं? हमारे इमेजेस या फिर साइन लैंग्वेज। कम्युनिकेशन के प्रस्पेक्टिव से नॉन वर्बल में हम क्या कह रहे हैं, या तो इसमें आ जाएंगे इमेजेस या फिर हमारा साइन लैंग्वेज, और वर्बल के अंदर आ जाता है ओरल या फिर रिटन। सो आप बताइए, क्लास के अंदर कैन आई टीच इंग्लिश यूजिंग नॉन वर्बल? क्या मैं इस नॉन वर्बल तरीके से इंग्लिश पढ़ा सकती हूं क्लास के अंदर? इन इंग्लिश आई हैव टू टीच ग्रामर, आई हैव टू टीच सिनोनिम्स एंटोनिम्स, प्रीफिक्स सफिक्स बताने हैं, वोकैबुलरी बताना है, पैराग्राफ कराना है, पोएट्री कराना है, क्वेश्चन आंसर्स पूछने हैं, लर्नर्स को स्पेलिंग सिखानी है। कैन आई डू ऑल दीज थिंग्स यूजिंग नॉन वर्बल? जी ब्रजेंद्र जी कह रहे हैं नहीं, यशी कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल। इंग्लिश पढ़ाने के लिए अब आपको किसी वर्ड का मीनिंग समझाना है, सो आप इशारों में समझा सकते हो? नहीं, लर्नर को नहीं समझ में आएगा, एम्बिगुअस होगा, डाउट होगा उसके दिमाग में। हो सकता है आप कुछ और बताना चाह रहे होगे, उसको कुछ और समझ में आ जाएगा। सो व्हेन वी टीच अ लैंग्वेज एंड वी नीड कम्युनिकेशन, हम क्या सिलेक्ट करते हैं? वर्बल। क्लास के अंदर कोई भी चीज पढ़ाने के लिए हम किस एस्पेक्ट को कंसिडर करते हैं? वर्बल को। जहां हमें जरूरत पड़ती है इमेजेस की, ग्राफ्स की, फेशियल एक्सप्रेशंस की, बॉडी लैंग्वेज की, वो हम इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, यानी वो सपोर्टिंग रोल में आ गया, है ना। मेजर रोल किसका हो गया? वर्बल का। नॉन वर्बल इज इन सपोर्ट। सो जब हम टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करते हैं, सपोर्ट में इस्तेमाल करते हैं। जब हम पोएम सिखा रहे हैं और चेहरे के हाव भाव बना रहे हैं, बच्चों से बनवा रहे हैं, अगेन हम नॉन वर्बल को सपोर्ट में यूज कर रहे हैं। सो इन क्लास व्हेन वी आर डूइंग कम्युनिकेशन, देयर आर टू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक है हमारा ओरल मोड एंड सेकेंड वन इज रिटन मोड। दो तरीके के मोड हो गए, ओरल मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिटन मोड ऑफ कम्युनिकेशन। जी पूजा कह रही है प्राइमरी लेवल पर यूज कर सकते हैं नॉन वर्बल। नॉन वर्बल हम सपोर्ट में यूज करते हैं। हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं, हम साइंस पढ़ा रहे हैं, हम ईवीएस पढ़ा रहे हैं, सोशल स्टडीज पढ़ा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। क्लासरूम टीचिंग के अंदर हमारा मेन सेक्शन हो जाता है वर्बल। इसको हम जहां जरूरत पड़ती है सपोर्टिंग तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। सो हम चार्ट्स कैरी करते हैं क्लासेस के अंदर,
पर हम सिर्फ चार्ट पेपर से नहीं पढ़ा सकते, हम सिर्फ ग्लोब का इस्तेमाल करके नहीं पढ़ा सकते, हम सिर्फ साइन लैंग्वेज में नहीं पढ़ा सकते। इसलिए ये सपोर्टिंग है, इसीलिए मैंने पहले आपको ये चीज क्लियर करी। जो स्पेशल केसेस होते हैं, स्पेशल लर्नर्स होते हैं जो बोल नहीं सकते, उनके साथ फिर स्पेसिफिक क्लासेस होती हैं जहां पे हम साइन लैंग्वेज से पढ़ाते हैं। बट हियर वी आर डीलिंग विथ नॉर्मल क्लासरूम जहां पे आपके नॉर्मल लर्नर्स बैठे हैं। सो उस क्लास के प्रस्पेक्टिव से हमारे पास दो मोड हो जाते हैं, एक ओरल मोड और एक रिटन मोड। और ये दोनों कहाँ इंक्लूड होता है? वर्बल के अंदर। आई होप इतना क्लियर होगा सबको। क्लियर हो गया क्यों हम ओरल और रिटन को इंक्लूड कर रहे हैं? अब आपके फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेजेस, ये सारी चीजें ओरल में आ जाती हैं, ठीक है यहाँ। और ग्राफ्स, चार्ट्स, पिक्चर्स, इमेजेस, ये रिटन में आ जाते हैं, ठीक। अब अगेन कम्युनिकेशन। सो दो मोड क्लियर हो गए। अब जब हमारा कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन का डायग्राम अगर आपको याद हो, देयर इज अ सेंडर, तो कम्युनिकेशन का डायग्राम चेक करते हैं। वी हैव सेंडर एंड वी हैव रिसीवर। सेंडर ने क्या भेजा है? मैसेज। किसको? रिसीवर को। यहां पे दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एनकोडिंग एंड डीकोडिंग, ठीक है। सो ये कम्युनिकेशन है। सेंडर ने मैसेज बनाया, मैसेज बनाने के लिए एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करा, उसने मैसेज किसको भेजा? रिसीवर को। रिसीवर ने उसको समझा एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के थ्रू। अब इसमें मान लीजिए हमारे इस पर्टिकुलर केस में हमने एनकोडिंग करा है किस लैंग्वेज में? लेट्स से वी हैव सेलेक्टेड हिंदी लैंग्वेज। सो सेंडर ने मैसेज बनाया है हिंदी लैंग्वेज में और भेजा है किसको? रिसीवर को। रिसीवर को हिंदी लैंग्वेज आती है, सो उसने डिकोडिंग कर ली और मैसेज उसको मिल गया। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अनदर सिनारियो, सेंडर हैज एनकोडेड द मैसेज इन लेट्स से फ्रेंच। नाउ रिसीवर डजंट अंडरस्टैंड फ्रेंच, उसको फ्रेंच नहीं आती। कहाँ पे इशू आएगा? डिकोडिंग में। ये तो अपने एंड पे मैसेज भेज देगा, लेकिन रिसीवर को वो मैसेज समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो डिकोडिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको फ्रेंच नहीं आती। सो कम्युनिकेशन, पहले केस में कम्युनिकेशन हुआ था, दूसरी केस में कम्युनिकेशन नहीं हुआ था। ये जो वन लाइन है कम्युनिकेशन, इसको हम कहते हैं वन वे कम्युनिकेशन। दिस इज टर्म्ड एज वन वे कम्युनिकेशन, एनकोडिंग और डिकोडिंग। जी यशी, मैं आपको बता रही हूं, ये दोनों टर्म्स रिलेटेड हैं कंप्यूटर से। सो अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है बाइनरी लैंग्वेज। वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन डाली जाती है वो वन और जीरो डिजिट्स में होती हैं। सो उससे बना है कि भाई किसी भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर ने अपने लैंग्वेज में डिकोड इनकोड करा, प्रोसेस करा, और फिर हम उसको अपने लैंग्वेज में डिकोड करते हैं। पर हमारे प्रस्पेक्टिव में इसको आप ये समझ लीजिए कि हम जो लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं उसको हम, इसने जो सेलेक्ट करा लैंग्वेज उसने एनकोड करा, और इसने जो समझा, समझने वाली चीज को हम कहते हैं डिकोडिंग। बनाने को एनकोडिंग और समझने को डिकोडिंग। हमारे केस में आप ऐसे समझ सकते हो लैंग्वेज के प्रस्पेक्टिव से। सेंडर, ठीक है। अब इसी चीज को इमेजिन कीजिए आप क्लास के अंदर। सो सेंडर हमारा कौन हो सकता है? लेट्स से हमारा सेंडर है टीचर। मैसेज है जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, और हमारा रिसीवर है
स्टूडेंट, होपफुली आपको ऐसे समझ में आ जाएगा. सो टीचर ने एक टॉपिक पढ़ाया, किसको पढ़ाया, स्टूडेंट्स को. सो उन्होंने इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया, हिंदी का. स्टूडेंट्स को हिंदी आती है, अगर स्टूडेंट्स को हिंदी आती है वो इस टॉपिक को समझ जाएंगे. ये क्लियर है सबको? जी रुपेश, सही बताया है आपने, मैं उस पे आऊंगी. फिलहाल आई एम ट्राइंग टू मेक एवरीबॉडी अंडरस्टैंड वन वे क्या होता है. वन वे समझाने के बाद मैं टू वे पे आऊंगी, अभी इट्स इन द प्रोसेस. ठीक है. सो टीचर है, उसने टॉपिक पढ़ाया स्टूडेंट को, और इसने टॉपिक पढ़ाने के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज किया है, हिंदी. ये आ गया स्टूडेंट को समझ में. अब उसने यही टॉपिक पढ़ाने के लिए कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट करा, फ्रेंच. स्टूडेंट्स को फ्रेंच नहीं आता तो वो इस टॉपिक को डिकोड नहीं कर पाएंगे, यानी नहीं समझ पाएंगे. इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कहते हैं वन वे कम्युनिकेशन. क्लियर है अब ये? ठीक है. अब स्टूडेंट्स को जब समझ में आ गया, वो बताते हैं कि हाँ हमें समझ में आ गया. स्टूडेंट्स को जब समझ में नहीं आता वो दोबारा पूछते हैं, दोबारा बताने को बताते हैं, और एग्जाम्पल्स पूछते हैं. तो ये जो उन्होंने बताया कि हमें आ गया और ये जो उन्होंने बताया कि हमें नहीं आया, इसको हम कहते हैं फीडबैक. क्या कहते हैं इसको? जी आकांक्षा, प्रैक्टिस शीट में आपको आज की क्लास के बाद भेज दूंगी, प्रैक्टिस शीट है आज की क्लास के बाद. सो इसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक. ये जो स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्स दिया, हमें समझ में आया या हमें समझ में नहीं आया, इस रिस्पॉन्स के लिए टर्म यूज होता है फीडबैक. फीडबैक ओरल हो सकता है, फीडबैक रिटन हो सकता है, फीडबैक चेहरे के हाव भाव से भी हो सकता है. जब आप क्लास के अंदर पढ़ाते हो और मान लीजिए आपके दो स्टूडेंट्स या लर्नर्स ऐसे बैठे हैं जिनके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क है, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, सो उस चेहरे के एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाता है कि इस लर्नर को समझ में नहीं आ रहा. दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी फीडबैक. ठीक है. सो फीडबैक ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, साइन लैंग्वेज में हो सकता है, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हो सकता है, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हो सकता है. अब जब ये फीडबैक हो गया, इसको हम कहते हैं टू वे कम्युनिकेशन. हम ध्यान रखेंगे जब फीडबैक नहीं है, सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज वन वे कम्युनिकेशन, एंड व्हेन वी हैव फीडबैक इट इज नोन एज टू वे कम्युनिकेशन. अब आप बताइए क्लास के हिसाब से कौन सा कम्युनिकेशन सही है. इन क्लास विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन शुड हैपन, वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन? आप बताएं, आपकी क्लास है, आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, किस टाइप की कम्युनिकेशन होनी चाहिए आपकी क्लास में, वन वे कम्युनिकेशन या टू वे कम्युनिकेशन? टू वे. जी इंद्रेश, सही बता रहे हैं आप, टू वे होनी चाहिए, क्योंकि अगर वन वे होगा. जी ब्रजेंद्र, आप भी सही बता रहे हैं, शांता सही बता रहे हैं, पूजा जी, टू वे क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता चलेगा कि हमारे लर्नर को समझ में आया या नहीं आया, हम अपनी स्ट्रैटेजीज में कैसे चेंजेस करेंगे, हम उनको रेमिडियल टीचिंग कैसे दे पाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी लर्निंग सही हुई है या नहीं हुई है. सो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई इन आर क्लासेस कैसी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन. सो दिस इज द राइट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. जी ईरा, सही बताया, शिवानी वर्षा करेक्ट आंसर है. सो ये क्लियर है हमें, दिस इज कम्युनिकेशन प्रोसेस. जो ये ब्लैक वाला हिस्सा है, एक साइडेड है, इसको हम कहते हैं वन वे कम्युनिकेशन. जब फीडबैक इंक्लूड हो जाता है, इसको हम कहते हैं टू वे कम्युनिकेशन. अब इसमें क्या हमें ध्यान देना है, एक इसके पास से इंफॉर्मेशन जा रहा है, उसके पास इंफॉर्मेशन आ रहा है. सो वेन एवर कम्युनिकेशन हैपेंस, देयर इज फ्लो ऑफ
इन्फॉर्मेशन ध्यान देंगे, जब भी कम्युनिकेशन होता है टूबे के अंदर ये पूरा हो गया। पूजा जी, पूजा पांडे, मैं आपको बता रही हूं, इट्स नॉट लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फीडबैक, ये पूरा प्रोसेस जब होगा इसको हम कहते हैं टू वे, जब फीडबैक नहीं है सिर्फ इतना हिस्सा है उसको कहते हैं वन वे। सो टू वे के अंदर आपका ये भी है और ये भी है, जब आप ये करोगे तभी तो आपको लर्नर्स फीडबैक देंगे। सो टू वे कम टू वे प्रोसेस इंक्लूड्स बोथ सेंडर सेंडिंग मैसेज टू रिसीवर एंड रिसीवर शेयरिंग फीडबैक बैक टू दी सेंडर, ये पूरा टू वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। सो व्हेनेवर कम्युनिकेशन हैपनिंग देयर इज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ये मैसेज क्या है, इंफॉर्मेशन है, और सेंडर के पास से किसके पास जा रहा है, रिसीवर के पास जा रहा है, ठीक है। सो आई रिमूव दिस डायग्राम सो दैट मैं उस टेबल को कंप्लीट कर दूं। मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा आप सबने। सो देयर इज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये जो फ्लो है ये दो तरीके का होता है, आपको रिसीव होता है या आप किसी को प्रोवाइड करते हो, दो तरीके का इंफॉर्मेशन है। समटाइम्स यू रिसीव इंफॉर्मेशन एंड समटाइम्स यू प्रोड्यूस और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। सो देयर आर टू टर्म्स रिलेटेड टू दिस, वन इज रिसेप्टिव एंड अनदर टर्म इज प्रोडक्टिव। मैंने लिखा है रिसेप्टिव एंड मैंने लिखा है प्रोडक्टिव। जी रुपेश, सही है। सो रिसेप्टिव इज आप इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो, प्रोडक्टिव इज आप इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक। नाउ दिस कम्युनिकेशन इट इन्वॉल्व्स फोर बेसिक स्किल्स। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स फोर बेसिक स्किल्स, कौन कौन से, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल्स। कम्युनिकेशन, जी रुपेश करेक्ट है, LSRW, दिस इज द राइट ऑर्डर। जब भी स्किल्स डेवलप होते हैं पहले लिसनिंग डेवलप होता है, फिर स्पीकिंग होता है, फिर रीडिंग होता है और फिर राइटिंग होता है। जी वर्षा, मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, आज हम इन डिटेल लैंग्वेज स्किल्स पढ़ेंगे, चारों स्किल्स डिटेल में पढ़ेंगे। सो ये जो आप थोड़ा सा, इनफैक्ट ये आपके लिए एक एग्जाम्पल हो सकता है, जब भी आप कोई नया टॉपिक पढ़ाते हो आप थोड़ा सा पुराने टॉपिक से कनेक्ट करके पढ़ाते हो, और इससे रिलेटेड हमारा एक मैक्सिम है, हमने मैक्सिम्स पढ़े हैं, नोन टू अननोन। सो जब भी आप कोई नई चीज पढ़ाते हैं आप पहले से जो आपने पढ़ाया हुआ उसे कनेक्ट करके पढ़ाते हो। तो मैंने अपनी पहली इंट्रोडक्शन क्लास में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था स्किल्स के बारे में, और आज हम उसी टॉपिक को डिटेल में कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। सो बेस्ड ऑन विच मैक्सिम, नोन टू अननोन, जो लर्नर्स को पहले से पता है उससे कनेक्ट करके आप उनको नई जानकारी प्रोवाइड करिए, ठीक है। सो दिस इज द राइट ऑर्डर, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अब आपको करना क्या है, आपके पास दो मोड्स हैं, आपके पास दो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, जब आप रिसीव करते हो और जब आप प्रोड्यूस करते हो, एंड यू हैव फोर स्किल्स। आपको इन चारों स्किल्स को इस टेबल में फिट करना है, ठीक। अपना टास्क सुनिए, आप सब अपने अपनी, जहां भी आप अपनी क्लास अटेंड कर रहे हैं सुन रहे हैं, आप ये टास्क करेंगे। सो यू हैव फोर स्किल्स,
listening, speaking, reading and writing, and you have to fit these four skills into these four spaces. Dhyan kya rakhoge? Yaha jo bhi likhoge, that has to be written and that has to be receptive. Yaha jo aap likhoge, that has to be oral and that has to be receptive. Try kariye. फिर मैं आपके सामने सोल्यूशन लिख दूंगी सो दैट यू कैन क्रॉस चेक कि आपने जो लिखा है या जो आपने समझा है वो सही समझा है या नहीं. सो यू हैव फोर स्किल्स एंड यू हैव फोर स्पेसेस एंड यू हैव 20 seconds. जी लिसनिंग रिसेप्टिव बता रहे हैं, लिसनिंग ओरल रिसेप्टिव. ठीक है, सो दो आंसर आए हैं लिसनिंग को लेके. लिसनिंग आप कह रहे हो मैं ओरल और रिसेप्टिव वाली जगह में लिखूं. ठीक है, आई विल राइट डाउन. सो चेक करते हैं इसको. जब हम सुनते हैं, व्हेन वी लिसन ओरल, बिल्कुल किसी कॉपी किताब की जरूरत नहीं होती. सो लिसनिंग इज ओरल, करेक्ट. और जब हम सुनते हैं हमें इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, सो लिसनिंग इज रिसेप्टिव, वेरी करेक्ट. स्पीकिंग के लिए बताएं, स्पीकिंग रुपेश बता रहे हैं स्पीकिंग लिखूं मैं प्रोडक्टिव और ओरल में. ओके करेक्ट है, हमारे पास सारे आंसर्स आ रहे हैं. वर्षा, पूजा, यशी सब आंसर बता रहे हैं और आपके आंसर्स करेक्ट हैं. सो आई एम हैप्पी कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है. दिस इज द बेस. अगर आपने ये समझ लिया, आप लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको बड़े आराम से सॉल्व कर ले जाओगे, क्योंकि ये आपका बेस है. अब इसके बाद आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आए, आपके ऊपर केस या सिचुएशन वाले बेस्ड क्वेश्चंस आए, आप उसको आराम से सॉल्व कर ले जाओगे. सो लिसनिंग कहाँ है? ओरल और रिसेप्टिव में. स्पीकिंग आपने बताया है मैं लिखूं ओरल में एंड प्रोडक्टिव में. देन राइटिंग के लिए बताया जा रहा है प्रोडक्टिव और रिटन. ठीक, तो जब हम लिखते हैं वो रिटन होता है, करेक्ट. जब हम लिखते हैं हम इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं, करेक्ट. जब हम बोलते हैं वो ओरल है, करेक्ट. जब हम बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं, अगेन करेक्ट. रीडिंग रिसेप्टिव है, ठीक. सो रीडिंग, वी आर रीडिंग, ध्यान दीजिएगा, हम कोई चीज पढ़ रहे हैं. पढ़ते कब हैं हम? हम नॉवल पढ़ते हैं, हम मैगजीन पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कहीं एडवर्टाइजमेंट लगा होता है हम उसको पढ़ रहे हैं, हम मूवी देख रहे हैं उसके नीचे सब टाइटल आते हैं हम उसको पढ़ते हैं. सो वेन एवर वी रीड समथिंग इज ऑलरेडी रिटन. अगर ये चीज मैं ऐसे बोलूं आपको, देयर आर फोर बेसिक स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. आई एम स्पीकिंग, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रही हूं. पर अगर मैं ऐसे बोलूं, फोर बेसिक स्किल्स, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, आई एम रीडिंग समथिंग विच इज ऑलरेडी रिटन. सो रीडिंग क्या होता है हमारा? रिटन होता है. और जब हम पढ़ते हैं हमें इंफॉर्मेशन रिसीव होती है. So reading is written and reading is receptive. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि रीडिंग तो हम जोर जोर से करते हैं, बिल्कुल हम करते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रीडिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रीडिंग, एक ओरल होता है और एक सॉरी साइलेंट. तो जब हम जोर जोर से पढ़ते हैं और बोलते हैं उसको क्या कहा जाता है? ओरल रीडिंग. और जब हम चुपचाप पढ़ते हैं उसको कहा जाता है साइलेंट रीडिंग.
जी ब्रजेंद्र, जब हम ओरल रीडिंग करते हैं दैट इन्वॉल्व्स रीडिंग और उसके बाद स्पीकिंग। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप कौन सा स्किल इस्तेमाल करते हो? सो आपने वो नॉवल, आपने वो मैगजीन, वो न्यूज़पेपर ओपन करा, आपने उन लेटर्स को देखा, सो सबसे पहले आपने डेवलप करी अपनी रीडिंग स्किल। और फिर जब आप उसको जोर से बोलते हो, सो आपने रीडिंग के साथ साथ इस्तेमाल किया है स्पीकिंग स्किल। सो ओरल रीडिंग इन्वॉल्व्स बोथ रीडिंग एंड स्पीकिंग। सो टेक्निकली रीडिंग को हम किस कैटेगरी में डालेंगे? रिटन में, क्योंकि हम लिखे हुए लेटर्स को सबसे पहले देखते हैं। आई होप ये क्लियर है। अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, क्योंकि कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम के परस्पेक्टिव से ये आपको क्लियर होना चाहिए। सो इफ एनीबडी हैज अ क्वेश्चन प्लीज आस्क। रीडिंग के लिए पहले से लिखे हुए अक्षरों को हम देखते हैं, सो फर्स्ट वी रीड और फिर हम उसको जोर से बोलते हैं, सो रीडिंग के साथ स्पीकिंग आ जाता है। जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है, पूछ लीजिए अभी। जी यशी बता रहे हैं क्लियर है। पूजा क्लियर, ठीक है। किसी भी लेवल पे आपको लगे कि कोई डाउट है, कुछ है जो आपको नहीं क्लियर हो रहा है, आप जरूर पूछ लीजिएगा उसी समय। सो दिस इज आवर टेबल। जी पूजा, मैं एक बार और समझा दे रही हूँ। सो वी हैव टू मोड्स, ओरल मोड एंड रिटन मोड। ओरल मोड क्या होता है? जब आपको आपने किसी भी तरीके के सिंबल्स का इस्तेमाल नहीं किया, सो आप बोल रहे हो या सुन रहे हो। सो ओरल में हमारे आ जाते हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रिटन में हमारे आ जाते हैं रीडिंग एंड राइटिंग। रिसेप्टिव का मतलब होता है जब हमें इंफॉर्मेशन मिली, तो जब हम सुनते हैं हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जब हम पढ़ते हैं हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। प्रोडक्टिव का मतलब होता है जब हमने इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करी, तो जब हम बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं, जब हम लिखते हैं उस पीस ऑफ पेपर के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं। मान लीजिए आपने एप्लीकेशन लेटर लिखा है, तो आप उस एप्लीकेशन लेटर में इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे हो कि मैं 14 और 15 तारीख को स्कूल नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं अपने जो भी आपका शहर है उससे आप बाहर जा रहे हो। सो यू आर प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन ऑन दैट एप्लीकेशन लेटर, आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। अब इसी एप्लीकेशन लेटर को जब प्रिंसिपल ने पढ़ा, तो उनको इंफॉर्मेशन रिसीव हुई कि मेरा ये पर्टिकुलर स्टूडेंट, लेट्स से उसका नाम राहुल है, सो राहुल 14 और 15 को स्कूल नहीं आएगा क्योंकि वो कहीं बाहर घूमने जा रहा है। सो जब उन्होंने पढ़ा, उनको इंफॉर्मेशन मिली, दैट्स वाई हमने रीडिंग को लिखा है रिसेप्टिव में। ठीक, ऑल क्लियर। नाउ आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? मान लीजिए हम शुरू करते हैं आसान इजी क्वेश्चन से। सो एक आपका क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द राइट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्किल्स। उसके लिए हम याद रखेंगे LSRW, पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग। अज्यूम कीजिए एक और क्वेश्चन आ गया, टू स्किल्स विच आर बेस्ड ऑन ओरल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। सो हमारा आंसर हो जाएगा लिसनिंग एंड स्पीकिंग। टू स्किल्स विच आर बेस्ड ऑन रिटन मोड ऑफ कम्युनिकेशन, हमारा आंसर हो जाएगा रीडिंग एंड राइटिंग। टू स्किल्स विच आर रिसेप्टिव इन नेचर, हमारा आंसर हो जाएगा लिसनिंग एंड रीडिंग। टू स्किल्स विच आर प्रोडक्टिव इन नेचर, हमारा आंसर हो जाएगा स्पीकिंग एंड राइटिंग। ठीक, मान लीजिए आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो हमने इस क्लास में नहीं पढ़ा, नहीं डिस्कस कराए हमने। लेट्स से पूछ लिया गया टू प्राइमरी स्किल्स, आप बताएं क्या आंसर देंगे आप? टू प्राइमरी स्किल्स, मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया है टू प्राइमरी स्किल्स, क्या आंसर्स होंगे? हमने नहीं पढ़ा इस क्लास में, पर स्टिल इस बेसिस पे, ये जो हमने समझा है इसके बेसिस पे आपके दो प्राइमरी स्किल्स कौन से हैं? लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जी आकांक्षा, जी अरा, सही बता रहे, क्योंकि ये हमारे शुरुआती स्किल्स हैं जो सबसे पहले डेवलप होते हैं। सो आर टू प्राइमरी स्किल्स विल बी
लिसनिंग एंड स्पीकिंग. करेक्ट है रुपेश, सही बता रहे हैं. शांता जी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये दोनों हमारे प्राइमरी स्किल्स हो जाएंगे. मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, टू एक्सप्रेसिव स्किल्स. एक्सप्रेसिव स्किल्स किसको किसको आप बताएंगे? इन स्पीकिंग करेक्ट है, थोड़ा और सोचिए. एक्सप्रेस, कौन से स्किल्स में आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं? लिसनिंग में आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं. टू स्किल्स वेयर इन यू एक्सप्रेस योर थॉट प्रोसेस योर सेल्फ, जिसमें आप अपनी बात बता पाते हो. करेक्ट नितिन, सही आंसर दिया आपने, स्पीकिंग एंड राइटिंग. इरा ने सही बताया है. सो जब हम बोलते हैं और जब हम लिखते हैं, हम अपनी बात एक्सप्रेस करते हैं. सो मान ले एग्जाम में आ जाएगा टू एक्सप्रेसिव स्किल्स, और आंसर विल बी स्पीकिंग एंड राइटिंग. ठीक, एक और, टू रीइंफोर्समेंट स्किल्स. मान लीजिए थोड़ा डिफिकल्ट टेक्निकल क्वेश्चन आ गया, टू रीइंफोर्समेंट स्किल्स. सो हमने स्टिमुली और रीइंफोर्समेंट पढ़ा होगा. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है पनिशमेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है प्रेज प्राइज. सो रीइंफोर्समेंट स्किल्स, जिससे लर्नर को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, अपने सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, प्राउड करेगा अपने ऊपर. कौन से दो स्किल्स हैं? जी ब्रजेंद्र बता रहे हैं स्पीकिंग एंड राइटिंग, रश्मि बता रही हैं, करेक्ट बता रहे हैं आप. जब भी हम बोलते हैं और जब भी हम लिखते हैं, हम अपना इवैल्यूएशन कर पाते हैं कि हाँ, मैंने इस भाषा को कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है. सो आर टू रीइंफोर्समेंट स्किल्स विल बी स्पीकिंग एंड राइटिंग. करेक्ट है. सो हमें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बन रही है. लेट्स रिमेंबर इट, वी हैव फोर स्किल्स, दैट इज द ऑर्डर. वी हैव ओरल, वी हैव रिटन, वी हैव रिसेप्टिव एंड वी हैव प्रोडक्टिव. ये हम याद रखेंगे. Now we will start with listening skills. ठीक है, so I'll remove all this और हम फिर अपना next topic start करेंगे, listening skill, जिसको हम detail में पढ़ेंगे. सो लिसनिंग स्किल्स अभी हमने पढ़ा था, ओरल है, रिसेप्टिव है, ये पॉइंट हमें क्लियर है, राइट. इसमें आप नोट कर सकते हैं, इट इंक्लूड्स सेंडर मैसेज एंड सेंडर मैसेज एंड रिसीवर. इट इंक्लूड्स अंकित जी, अंकित आपको मेरे जी, मुझे आपके मैसेजेस आ रहे हैं. करेक्ट, आई एम गेटिंग योर मैसेजेस. इट इंक्लूड्स सेंडर मैसेज एंड रिसीवर. अभी जो हमने डायग्राम बनाया था, सो अपने आप को आप इमेजिन कीजिए कि आप सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग, लिसनिंग स्किल्स डेवलप हो रहे हैं. सो अज्यूम करिए आप अपने रूम में बिल्कुल अकेले हैं, कैन यू डेवलप योर लिसनिंग स्किल? नहीं. मान लीजिए दो लोग बैठे हैं, स्टिल वो आपस में बात नहीं कर रहे हैं, विल यू बी डेवलपिंग योर लिसनिंग स्किल्स? नहीं. लिसनिंग स्किल डेवलप हो इसके लिए क्या क्या जरूरी है? एक सेंडर हो या स्पीकर हो, और एक
मैसेज हो। जब हम उसको रिसीव करेंगे देन ओनली विल बी इन अ पोजिशन टू डेवलप आर लिसनिंग स्किल्स। सो इफ यू वॉन्ट आर लर्नर्स टू डेवलप देयर लिसनिंग स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, इफ यू वॉन्ट आर लर्नर्स टू डेवलप देयर लिसनिंग स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक यूज मैक्सिमम यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द क्लास रूम। आपको ध्यान रखना होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज अपनी क्लास में इस्तेमाल करें सो दैट आपके लर्नर्स को ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश सुनने का मौका मिले एंड दे कैन डेवलप देयर लिसनिंग स्किल्स रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है लिसनिंग स्किल से रिलेटेड, इट इंक्लूड्स सेंडर, इट इंक्लूड्स मैसेज एंड इट इंक्लूड्स रिसीवर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, इट इन्वॉल्व्स लर्निंग प्रोसेसिंग एंड इवैल्यूएटिंग। इट इन्वॉल्व्स लर्निंग processing and evaluating, listening, processing and evaluating। जी वर्षा, रीइन्फोर्समेंट पूछ रहे हो। रीइन्फोर्समेंट क्या होता है? रीइन्फोर्समेंट स्किल्स के अंदर वो वाले स्किल्स हैं जिनसे लर्नर्स के अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ मैंने लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज करी है। सो लैंग्वेज के ऊपर कमांड आपका है या नहीं है या आप कब चेक कर पाओगे, जब आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में बोल पाओगे या फिर लिख पाओगे। लिसनिंग के टाइम अपने आप को इवैल्यूएट नहीं कर सकते कि मुझे ये लैंग्वेज आ रही है या नहीं आ रही है, पर जब हम बोलते हैं उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में वी कैन चेक आवर सेल्फ। सेम वे जब हम पढ़ रहे हैं अगेन वी कैन नॉट इवैल्यूएट आवर सेल्फ कि हमें वो लैंग्वेज उतनी अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही, पर व्हेन वी राइट। अब अगर आपको लैंग्वेज अच्छे से आती है, लेट्स से हिंदी लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, तो आप आराम से किसी भी टॉपिक पे अपना थॉट प्रोसेस लिख सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाए आप उसके ऊपर अपना थॉट प्रोसेस प्रेजेंट कर लोगे। पर अगर कोई भी एक लैंग्वेज नहीं आती और आपके पास वोकैबुलरी की कमी हो जाएगी तो आपके अंदर रीइन्फोर्समेंट नहीं आएगा। सो स्पीकिंग और राइटिंग ये इंश्योर करता है कि आपको वो लैंग्वेज आती है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ठीक है, सो इसलिए हमने उसको रीइन्फोर्समेंट में इंक्लूड करा था। ठीक है, इसे देखना था। सो इट इन्वॉल्व्स लर्निंग प्रोसेसिंग एंड इवैल्यूएटिंग। उसको ऑन कर दो, कम है। सो हमारे पास कौन कौन से टर्म्स आ गए, लर्निंग प्रोसेसिंग एंड इवैल्यूएटिंग। सो व्हेन वी लिसन एनी इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं, वी लर्न दैट इंफॉर्मेशन, वी प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन एंड वी इवैल्यूएट दैट इंफॉर्मेशन। इस पॉइंट को समझने के लिए आई से अ सेंटेंस, मैं आपके सामने एक सेंटेंस बता रही हूँ, आप बताना आपके दिमाग में क्या आया। ठीक है, सो मैंने आपके सामने एक सेंटेंस बोला है, द सन राइजेज इन द वेस्ट, द सन राइजेज इन द वेस्ट। क्या आया आपके दिमाग में इससे रिलेटेड, कोई अपना आंसर शेयर करना चाहे। सो जब मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दिया, सन राइजेज इन द वेस्ट, आपके दिमाग में क्या चीज आई है, आप कोई, आप में से कोई शेयर करना चाहे, क्या फील कर रहे हो इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को लेके। पूजा ने लिखा है रॉन्ग है, ठीक, गलत है, ईस्ट। रुपेश बता रहे हैं रॉन्ग, बिल्कुल। सो ये जो आप बता रहे हैं कि नहीं, ये आप गलत बता रहे हो। क्यों बता रहे हो? आपने मेरे इंफॉर्मेशन को लर्न करा, यानी आपने सुना है दी सेंटेंस आई सेड। जी ब्रजेन जी, गलत है शांता, गलत, सही बताया आपने। मैंने आपके सामने जो इंफॉर्मेशन दिया वो गलत था। अब इसके लिए आप स्टेप चेक कीजिए, आपने उस स्टेटमेंट को लर्न करा यानी सुना, आपके दिमाग में उस स्टेटमेंट से रिलेटेड पहले से इंफॉर्मेशन है, आपके दिमाग में पहले से उससे रिलेटेड नॉलेज है कि सन राइज कहाँ से होता है। सो यू ऑलरेडी हैड सम इंफॉर्मेशन, आपने एक इंफॉर्मेशन अभी मेरे से सुना, आपने दोनों इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में प्रोसेस करा,
जो पहले से है और जो अभी आपको मिला, एंड देन यू इवैल्यूएटेड द इंफॉर्मेशन. आपने उस इंफॉर्मेशन को चेक करा, इवैल्यूएट करा कि अभी जो आपने बात बताया है दैट इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग. सो व्हेन वी लिसन, हमारे दिमाग में ये तीन चीजें होती हैं. वी लर्न दैट इंफॉर्मेशन, वी प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन, एंड देन वी इवैल्यूएट द इंफॉर्मेशन. अब क्योंकि आपको पता था कि सनराइज कहाँ होता है, ईस्ट में होता है, आपने तुरंत मुझे एक फीडबैक दिया. सो अभी आप में से जितनों जिन्होंने लिखे हैं पॉइंट्स, किसी ने लिखा इट्स रॉन्ग, किसी ने लिखा है कि इट राइजेज इन द ईस्ट, किसी ने कुछ और लिखा है, रॉन्ग सेंटेंस लिखा है, तो ये जो आपने अलग अलग चीजें मुझे कमेंट में लिखी, ये सब क्या था? ये सब लर्नर की तरफ से फीडबैक था. किसको? स्पीकर को. और ये हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है. स्पीकर ने एक मैसेज प्रेजेंट करा, सन राइजेज इन द वेस्ट. रिसीवर ने उसको डिकोड करा, डिकोडिंग के टाइम उसने लर्न करा, उसने प्रोसेस करा, उसने इवैल्यूएट करा. और अब जब आपने अलग अलग कमेंट्स लिखे, आपने क्या प्रोवाइड करा स्पीकर को? फीडबैक दैट वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू आर शेयरिंग इज इनकरेक्ट, द राइट आंसर इज ईस्ट. सो होपफुली आपको कम्युनिकेशन वाला प्रोसेस क्लियर हो रहा होगा. और वो स्टेटमेंट मैंने जानबूझ के बोला था ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए. क्लियर है हमें? पॉइंट हम समझ गए सारे. सो अब एक और फीडबैक दे दीजिए कि मैं जो आपको बताना चाह रही थी, समझाना चाह रही थी, वो आपको क्लियर हुआ या नहीं. सो व्हेन वी लिसन, वी लर्न, वी प्रोसेस एंड वी इवैल्यूएट. अब लर्नर के ऊपर है वो फीडबैक कैसे देना चाहता है. अगर अभी हमारी ये क्लास लाइव हो रही होती, आप सब मेरे सामने बैठे होते, तो क्या होता? आपके अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशंस होते, चेहरे पे एक्सप्रेशंस आ रहे होते कि अरे मैम ये क्या बता रही है. सो वो जो आपके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क होता, वो भी मेरे लिए फीडबैक होता कि अभी जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसके साथ मेरे लर्नर्स अग्री नहीं करते. दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज फीडबैक. ठीक है. सो हम और इसके अंदर नेक्स्ट वी विल डिस्कस माइक्रो स्किल्स, लिसनिंग से रिलेटेड उसके माइक्रो स्किल्स. सो लिसनिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रो स्किल्स हैं जो उसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं. इट इंक्लूड्स रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रेस, इंटोनेशन, रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रेस, इंटोनेशन, डिकोडिंग मीनिंग, देन बीइंग अटेंटिव, what else in this, when we listen we try to develop eye contact with the speaker. So eye contact, and we try ourselves to not to get distracted by other things. So avoiding distraction. So these are some micro skills related to listening skills. जी पूजा जी, मैंने जानबूझ के आपके सामने ये गलत सेंटेंस बोला था, क्योंकि अगर मैं सही बोलती तो आपको वो उतना ज्यादा क्लियर नहीं होता. दैट्स वाई मैंने एक आसान सा इंफॉर्मेशन लिया जो यूजुअली सबको पता होता है कि हाँ भाई सन राइजेज इन द ईस्ट, और वो जो आपके दिमाग के अंदर स्टेप्स हुए आप आसानी से कनेक्ट कर पाए इस चीज के साथ. जी थैंक यू पूजा आपके फीडबैक के लिए. सो माइक्रो स्किल्स, रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रेस. स्ट्रेस हम समझते हैं, व्हेन वी स्पीक हम किन कुछ कुछ शब्दों पे बहुत जोर डालते हैं. क्यों जोर डालते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि सुनने वाला उसको इंपॉर्टेंट समझे. सो जब हम सुन रहे हैं, वी ट्राई टू रिकॉग्नाइज किस वर्ड पे स्ट्रेस डाला है, किस पे जोर दिया जा रहा है. माइक्रो स्किल्स आलोक जी, ये हमारा स्किल है, पर स्किल के अंदर भी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं. हमें इन फैक्टर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है व्हेन वी ट्राई टू
लिसन, इसमें हम इसको कहते हैं माइक्रो स्किल्स. सो अगर आप एग्जैक्टली टर्म यूज करना चाहते हैं, यू कैन कॉल इट एज लिसनिंग माइक्रो स्किल्स. सबसे पहले है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के अंदर चार स्किल्स, और इन चारों स्किल्स के अंदर अपने अपने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हम माइक्रो स्किल्स कहते हैं. ठीक है. सो जब हम सुनते हैं, हम ध्यान देते हैं किन शब्दों पे जोर दिया जा रहा है. हम ध्यान देते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है स्पीकर का. इंटोनेशन इज वॉइस मॉड्यूलेशन. जो वाक्य बोला गया है उसके अंदर उतार चढ़ाव, जो ऊपर नीचे होता है सेंटेंस, बहुत मोनोटोनस या बहुत बोरिंग सा हम नहीं बोलते. देयर इज फ्लक्चुएशन इन आर सेंटेंसेस, उसको हम कहते हैं इंटोनेशन या फिर वॉइस मॉड्यूलेशन. ठीक है. डिकोडिंग मीनिंग, जो बोला, जो हम सुन रहे हैं उसका अर्थ समझते हैं. जो हम सुन रहे हैं हम ध्यान देते हैं और ध्यान से सुनते हैं. हम स्पीकर के साथ आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं. हम किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट होने से खुद को रोकते हैं. वी टेक केयर ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स व्हेन वी ट्राई टू लिसन. ठीक है. लिसनिंग से रिलेटेड एक और चीज है जो आप ध्यान रखेंगे. लिसनिंग इन्वॉल्व्स लिसनिंग इन्वॉल्व्स हियरिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग. सो पेडागॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, शिक्षण विधि के पॉइंट ऑफ व्यू से, यू हैव टू रिमेम्बर लिसनिंग क्या है. सुनना और समझना. लिसनिंग इन्वॉल्व्स बोथ हियरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. ये आप यह ध्यान रखेंगे. एग्जाम में हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए जहां पे आपको इस तरीके का ऑप्शन आए. सो यू हैव टू रिमेम्बर लिसनिंग इंक्लूड्स बोथ हियरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. इसलिए आपने यहां भी देखा है लर्निंग प्रोसेसिंग एंड इवेल्युएटिंग, यहां भी अंडरस्टैंडिंग पे जोर है. डिकोडिंग मीनिंग, यहां भी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जोर है. जी अंजलि, पहले मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं आपका पेडागॉजी का पॉइंट कंप्लीट कर लूं, जो हमारा पेडागॉजी का सिलेबस है. उसके बाद हम फिर ग्रामर और वोकैबुलरी, सिनोनिम एंटोनिम्स, ईडियम फ्रेजेस, ये सारे भी कवर करेंगे. पर ये आपका पहले कंप्लीट हो जाएगा तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं. उनके करने के लिए हमारा एक बार पेडागॉजी कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि 15 नंबर की पेडागॉजी आनी है हमारी. सो आई होप आप सबको क्लैरिटी होगी. इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे, 15 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड आते हैं और 15 क्वेश्चंस पेडागॉजी बेस्ड आते हैं. सो फर्स्ट आई एम कंप्लीटिंग दी पेडागॉजी सेक्शंस, देन वी विल गो टू कॉम्प्रिहेंशन, जिसके लिए हम कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करेंगे, उससे रिलेटेड आंसर्स डिस्कस किया करेंगे क्लासेस में, ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड वोकैबुलरी और ग्रामर, पार्ट ऑफ स्पीच कवर करेंगे. सो दीज आर माइक्रो स्किल्स. नेक्स्ट है हमारे लिसनिंग सिचुएशंस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिसनिंग सिचुएशंस, इंटरैक्टिव इंटरैक्टिव लिसनिंग सिचुएशन एंड वी हैव नॉन इंटरैक्टिव लिसनिंग सिचुएशन. इंटरैक्टिव लिसनिंग सिचुएशन एंड नॉन इंटरैक्टिव लिसनिंग सिचुएशन. सो इंटरैक्टिव सिचुएशन क्या है? इंटरैक्टिव टर्म से हमें पता चल रहा है वेयर इन वी आर लिसनिंग एंड वी आर गिविंग फीडबैक. हम सुन रहे हैं और फीडबैक दे पा रहे हैं. नॉन इंटरैक्टिव क्या है? वेन वी आर लिसनिंग
बट वी आर नॉट गिविंग फीडबैक. हम फीडबैक देने की सिचुएशन में नहीं है. सो जब हम क्लास के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं या हम सामने सामने बात कर रहे हैं, हम टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, वी कैन ऑलवेज आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, वी कैन ऑलवेज आस्क फॉर रेपिटिशन, वी कैन ऑलवेज गिव आर फीडबैक दैट इट इज क्लियर टू मी, इट इज नॉट क्लियर टू मी. दिस टाइप ऑफ लिसनिंग सिचुएशन विल बी टर्म्ड एज इंटरक्टिव लिसनिंग सिचुएशन. अभी जैसे आप कमेंट कर पा रहे हो, सो ये आपके लिए कैसी लिसनिंग सिचुएशन है? इंटरक्टिव लिसनिंग सिचुएशन है. पर मान लीजिए यही वीडियो आप रिकॉर्डेड देख रहे होते हैं, पहले से किसी वेबसाइट पे पड़ी होती और आप ये वीडियो सिर्फ देख रहे होते और कोई चीज आपको समझ नहीं आती और आप पूछ नहीं सकते टीचर से, वो किस तरीके का सिचुएशन हो जाता? नॉन इंटरक्टिव लिसनिंग सिचुएशन. सो हम जब टीवी पे कोई प्रोग्राम देखते हैं, हम रेडियो पे कोई प्रोग्राम देखते हैं और सुन रहे होते हैं इंफॉर्मेशन, एंड वी कैन नॉट गिव आर फीडबैक, वी कैन नॉट आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, वी कैन नॉट आस्क फॉर रेपिटिशन, सच टाइप ऑफ लिसनिंग सिचुएशन विल बी नॉन इंटरक्टिव लिसनिंग सिचुएशन. ठीक है, सो इसमें हम थोड़ा सा नोट कर सकते हैं. लिसनिंग सिचुएशन, इंटरक्टिव लिसनिंग सिचुएशन के लिए लिख लीजिए, इट इज ए टू वे कम्युनिकेशन, इट इज ए टू वे कम्युनिकेशन. टू वे कम्युनिकेशन मीन्स इट इंक्लूड्स फीडबैक, इट इंक्लूड्स फीडबैक, देयर इज स्कोप फॉर क्लैरिफिकेशन एंड रेपिटिशन. एग्जाम्पल हो गया इसका फेस टू फेस, टेलीफोनिक या फिर वीडियो कॉल्स एक्सेट्रा. सच टाइप ऑफ सिचुएशन विल बी इंटरक्टिव लिसनिंग सिचुएशन. नॉन इंटरक्टिव लिसनिंग सिचुएशन के लिए हम नोट कर सकते हैं, इट इज ए वन वे कम्युनिकेशन, मीन्स there is no feedback, learner cannot ask for clarification or repetition, and here we can include example radio, television and public announcement. पब्लिक अनाउंसमेंट एक्सेट्रा. पब्लिक अनाउंसमेंट समझ रहे हो? सो अगर कोई जीप पे कुछ घोषणा करते हुए जा रहा है और वो आप सुन रहे हो, यू कैन नॉट गिव योर फीडबैक. सो सच टाइप ऑफ लिसनिंग विल बी नॉन इंटरक्टिव लिसनिंग सिचुएशन. ठीक है, सो ये हमारे माइक्रो स्किल्स थे, ये हमारे सिचुएशंस थे. लिसनिंग के अंदर हम अपना लास्ट टॉपिक अभी डिस्कस करेंगे, एंड दैट विल बी लिसनिंग स्ट्रैटेजीज. कौन कौन सी स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं? लिसनिंग स्ट्रैटेजीज. लिसनिंग स्ट्रैटेजीज, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, टॉप डाउन, देन वी हैव बॉटम अप, and third we have metacognitive strategy.
मेटाकॉग्निटिव स्ट्रैटेजी, टॉप डाउन स्ट्रैटेजी, बॉटम अप स्ट्रैटेजी एंड मेटाकॉग्निटिव स्ट्रैटेजी। टॉप डाउन में क्या होता है, द लर्नर हैज द बैकग्राउंड नॉलेज, टॉप डाउन स्ट्रैटेजी के अंदर लर्नर क्या करता है, पहले से ही थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉलेज पता होता है उसको, ऑलरेडी पता होता है कि मैं इस पर्टिकुलर चीज या मीटिंग या डिस्कशन या फोरम के अंदर जो चीज सुनने जा रहा हूं उससे रिलेटेड ऑलरेडी सर्टेन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी विद द लर्नर्स। हमें पहले से थोड़ी बहुत जानकारी होती है तो हमें एक थोड़ा बहुत हम मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि हम क्या चीज सुनने जा रहे हैं। सच टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी इज टर्म्ड एज टॉप डाउन स्ट्रैटेजी। बॉटम अप स्ट्रैटेजी में बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होता, सो वी टोटली रिलाई ऑन स्पीकर। हम बहुत ध्यान से बहुत माइन्यूटली स्पीकर को सुनते हैं क्योंकि हमारे पास उससे पहले कोई भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं होती। सो बॉटम अप स्ट्रैटेजी इज व्हेन यू आर रिलाइंग ऑन द स्पीकर फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन। मेटाकॉग्निटिव स्ट्रैटेजी क्या होता है, वी डिसाइड विच स्ट्रैटेजी टू फॉलो, सो हम किसी सिचुएशन में डिसाइड करते हैं कि हम पहले से थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉलेज जान के जाएंगे या हम टोटली स्पीकर के ऊपर रिलाय करेंगे। सो दीज आर दी थ्री स्ट्रैटेजीज रिलेटेड टू लिसनिंग स्किल्स, टॉप डाउन स्ट्रैटेजी, बॉटम अप स्ट्रैटेजी एंड मेटा कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी। टॉप डाउन स्ट्रैटेजी में वी ट्राई टू गेट द बैकग्राउंड नॉलेज, बॉटम अप स्ट्रैटेजी में वी टोटली रिलाय ऑन द स्पीकर एंड इन मेटा कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी वी डिसाइड विच स्ट्रैटेजी टू फॉलो। हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। ठीक है, so this was all related to listening skills. Next we will discuss speaking skills. I hope note kar liya hai ji Rupesh, second wala ji, bottom up strategy assume kar lijiye ki एक आप किसी ऐसे सेमिनार में जा रहे हैं ऑफिस की तरफ से, लेट्स यू आर गोइंग इन अ सेमिनार वेर यू डोंट नो कि व्हाट द स्पीकर विल स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू, वो किस टॉपिक पे आपके ऊपर एक पर्टिकुलर सेमिनार या प्रेजेंटेशन या अपना थॉट प्रोसेस शेयर करने जा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। सो उस केस में आप क्या करते हो, जो स्पीकर आपके सामने बोल रहा है आप उन वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनते हो, उन वर्ड्स की प्रोनंसिएशन पे आप ध्यान देते हो, उन वर्ड्स की मीनिंग को समझने की कोशिश करते हो ताकि सामने वाला जो आपके सामने बोल रहा है वो आपको प्रॉपरली क्लियरली समझ में आ जाए। यू आर इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड वॉट ऑल दैट स्पीकर इज स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सो ऐसी स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं बॉटम अप स्ट्रैटेजी। मान लीजिए हमारी क्लास है, सो इन दिस इज आवर क्लास, और आज हमने टॉपिक क्या पढ़ा है, लैंग्वेज स्किल्स। सो आपके हो सकता है, अगर मान लीजिए मैंने आपको बताया होता कि अगली क्लास में हम लैंग्वेज स्किल्स पढ़ेंगे और अब थोड़ा बहुत लैंग्वेज स्किल्स पढ़ के आते हैं, तो आपने कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करी, टॉप डाउन स्ट्रैटेजी। अगर आप ऑलरेडी लैंग्वेज स्किल्स पढ़ के आते, आपके दिमाग में लैंग्वेज स्किल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता, तो आपने कौन किस तरीके की लैंग्वेज स्किल्स डेवलप करने के लिए आपने कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करी है, टॉप डाउन
स्ट्रैटेजी। मान लीजिए आप टीचर के ऊपर भरोसा करके आ रहे हैं कि भाई टीचर पढ़ाएंगी, हमें समझ में आ जाएगा, वो जो भी पढ़ा रही है हम उनको ध्यान से सुने एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो यू आर टोटली रिलाइंग ऑन द स्पीकर फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन स्पीकर इज शेयरिंग। आपने अपने लिसनिंग के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी डिसाइड की है? बॉटम अप स्ट्रैटेजी। सो व्हेन यू डोंट नो द बैकग्राउंड, दिस इज बॉटम अप स्ट्रैटेजी। मेटा कॉग्निटिव अपने एंड पे कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। मेटा कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी क्या है कि आपके सामने एक सिचुएशन आ गई और उस सिचुएशन पे आपने क्या डिसीजन लिया। कॉग्निटिव हमने ब्लूम में डिस्कस करा है, कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। सो कॉग्निटिव किसको समझ, दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। सो कहीं ना कहीं आप डिसाइड कर रहे हो दैट यू विल फॉलो दिस और यू विल फॉलो दिस, ठीक है। मेटा कॉग्निटिव। सो मान लीजिए अब अभी एकदम से आप क्लास में बैठे हो और मैं आपके सामने बोल दूं कि अच्छा इन नेक्स्ट 2 मिनट्स आई विल टेक द टेस्ट ऑन द टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज जो हमने सेकेंड क्लास में पढ़ा था। तो अब जब फटाफट आप अपने नोट्स पलटने लगोगे, ये है मेटा कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी कि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में डिसाइड कर रहे हो कि आप ये फॉलो करोगे या फिर ये फॉलो करोगे। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। जी रुपेश, ठीक है। शांता, थैंक यू आपके फीडबैक के लिए, थैंक यू सो मच, है ना। सो दिस इज लिसनिंग स्ट्रैटेजी। अब हम पढ़ेंगे अपना सेकेंड स्किल, दैट विल बी स्पीकिंग स्किल। जी पूजा, पिंटू, मनीषा जी, क्लियर हो गया है, ठीक है। सो हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, स्पीकिंग स्किल्स। लेट्स गो बैक टू द टेबल वी मेड। सो स्पीकिंग स्किल विल कम अंडर ओरल एंड स्पीकिंग स्किल इज प्रोडक्टिव इन नेचर। सो हम क्या लिख सकते, और प्लस हम ध्यान रखेंगे स्पीकिंग इज ऑल्सो एक्सप्रेसिव। सो स्पीकिंग इज ओरल, स्पीकिंग इज प्रोडक्टिव एंड स्पीकिंग इज एक्सप्रेसिव। एक आपका क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें पूछा गया था कि आप किस स्किल को कंसिडर करते हैं दैट इट इज अ मेजर ऑफ नोइंग अ लैंग्वेज। विच स्किल इज कंसिडर्ड एज अ मेजर ऑफ नोइंग अ लैंग्वेज। तो आप एक जनरल फिनोमिना देखिए, मान लीजिए कोई आपके सामने कहता है कि मुझे फ्रेंच आती है, तो आप क्या कहोगे? अच्छा फ्रेंच में बोल के सुनाओ। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मुझे चाइनीज आती है, तो आप कहोगे अच्छा मैडम आपको चाइनीज आती है, चलिए आप चाइनीज में बोल के सुनाइए। सो स्पीकिंग इज कंसिडर्ड एज ए मेजर ऑफ नोइंग ए लैंग्वेज। ये पॉइंट हम इसके अंदर लिख सकते हैं, इट इज कंसिडर्ड एज ए मेजर ऑफ नोइंग ए लैंग्वेज। ये एक बार हमारे एग्जाम में आ चुका है, क्वेश्चन में, ठीक है। और हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इट डेवलप्स द वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी अमंग द लर्नर्स। इट डेवलप्स द वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी अमंग दी लर्नर्स। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों पॉइंट मैं आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन के बेसिस पे लिखा रही हूँ। सो वी हैव टू रिमेम्बर, स्पीकिंग इज कंसिडर्ड एज अ मेजर ऑफ नोइंग अ लैंग्वेज प्लस इट डेवलप्स द वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी। वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी हमें थोड़ा सा लग रहा होगा कि भाई टेक्निकल है, हाई फाई टर्म है, इट्स नॉट टेक्निकल। लिंग्विस्टिक क्या रिप्रेजेंट करता है, लैंग्वेज,
और वर्बल क्या रिप्रेजेंट करता है, हमने डिस्कस करा था ओरल एंड रिटन, राइट। सो हम स्पीकिंग को क्या कह सकते हैं, इट डेवलप्स द वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी। जब हम बोलते हैं हम किसी लैंग्वेज से रिलेटेड उसकी वर्बल एबिलिटी को डेवलप करते हैं, वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी। दोनों टर्म्स याद रखिएगा, ये पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो हो सकता है थोड़ा घुमा फिरा के दोबारा पूछा जाए। सो वी हैव टू रिमेम्बर दीज टू टर्म्स। नाउ वी विल अगेन गेट बैक टू द माइक्रो स्किल्स। सो स्पीकिंग माइक्रो स्किल्स, स्पीकिंग माइक्रो स्किल्स। सो नाउ वी आर स्पीकिंग, हम बोल रहे हैं। आप सब अपने आप को इमेजिन कीजिए कि नाउ यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, व्हाट आर द माइक्रो स्किल्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, किन किन चीजों का आप ध्यान रखोगे जब आप इंग्लिश में बोल रहे हो। नाउ यू आर डेवलपिंग योर स्पीकिंग स्किल्स in English language, or you are trying to develop speaking skills of your learners in the classroom, what all are the important aspects you will consider while developing these skills, kin kin cheezon ka aap dhyan rakhenge, wo sab hamare isme micro skills mein aayega. So hum sabse pehle likh sakte hain pronunciation. Pronunciation is the most important factor while speaking. Ji Indresh, aapke messages aa rahe hain mujhe. पूजा जी, एग्जाम्पल से स्पीकिंग स्किल जो आपने लिखा है, क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ मुझे पूजा पांडे आपका। प्रोनंसिएशन जी इरा, करेक्ट है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, सो ध्यान देंगे प्रोनंसिएशन के, स्पेलिंग ये भी और ये भी दोनों ही करेक्ट है। आपने ध्यान दिया होगा एमएस वर्ड में कई चीजों की स्पेलिंग सब चेंज हो रही है, जैसे कलर है, ऑर्गेनाइजेशन है, नेबर है, इनके स्पेलिंग्स जो हम पहले से सीख के चलते आ रहे थे उसके अंदर अब चेंजेस हो रहे हैं। सो अगर आप ये वाली स्पेलिंग लिखते हो या ये वाली स्पेलिंग लिखते हो, दोनों ओके है। एंड प्लस हमारे अपने एग्जाम के परस्पेक्टिव से दोनों में से दोनों कोई भी स्पेलिंग चलेगी, राइट। पर वैसे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि दिस स्पेलिंग इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस स्पेलिंग इज ऑल्सो करेक्ट। अगर आपने ध्यान दिया हो, पहले हम आज तक कलर की क्या स्पेलिंग लिखते आए थे, कलर, बट नाउ अ डेज द राइट स्पेलिंग ऑफ कलर इज दिस वन। अगर एमएस वर्ड पे आप ये लिखोगे अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, अगर आप ये वाली स्पेलिंग लिखोगे तो वो उसके नीचे ऐसे रेड रेड दिखा देगा, विच रिप्रेजेंट दैट दिस स्पेलिंग इज इनकरेक्ट। पर आप कहोगे कि मैंने बचपन से यही सीखा हुआ है, तो ये दोनों स्पेलिंग करेक्ट है कलर के परस्पेक्टिव से। सो बैक टू आवर स्पीकिंग, मेजर ऑफ नोइंग अ लैंग्वेज। पूजा पांडे जी, मैं आपको बता रही थी कि भाई हम जब किसी से भी कहते हैं कि तुम्हें ये लैंग्वेज आती है क्या, सो हम उससे क्या कहते हैं कि तुम उस लैंग्वेज में बोल के दिखाओ, राइट। सो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि विच स्किल इज कंसिडर्ड एज अ मेजर ऑफ नोइंग अ लैंग्वेज, किस स्किल से हम ये जांच सकते हैं कि हमारे लर्नर को वो लैंग्वेज आती है या नहीं आती, तो हमारा करेक्ट स्किल होगा स्पीकिंग स्किल। ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। सो स्पीकिंग स्किल इज कंसिडर्ड एज अ मेजर ऑफ नोइंग अ लैंग्वेज, हम ये जांच सकते हैं कि हमें वो भाषा आती है या नहीं आती है, ये मैं आपको बताना चाह रही थी, ठीक है। एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, करेक्ट बता रहे हैं रुपेश। सो व्हेन वी स्पीक वी हैव टू यूज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, एंड what are the important things, we have to take care of stress, we have to take care of intonation, hamara voice modulation correct hona chahiye, hum jis word ko important hai us pe hame stress dena chahiye, and what about important thing is vocabulary,
The other important point is vocabulary. We can also write words, their meanings. Right? So whenever we are speaking, we are framing sentences. Sentences are what? Group of words. So hum jo bhi shabd select kar rahe hain, whatever words we are selecting to frame our statements or sentences, we have to be very careful about it. Jo Rupesh ne bataya tha, accuracy and correctness, dono point valid hain. Kis case mein? Pronunciation correct honi chahiye, stress sahi word pe hona chahiye, intonation correct hona chahiye, and we should use the correct vocabulary. So these are the micro skills, plus other things are facial expressions, gestures, body language. So हम जो बोलते हैं उसी से related expressions होने चाहिए हमारे चेहरे पे, हमारे gestures correct होने चाहिए, plus हमारी body language positive होने चाहिए. We are teaching in a class. हम class के अंदर English language पढ़ा रहे हैं. So हमारे चेहरे पे बहुत ज्यादा aggression या sad ऐसे वाले expressions नहीं होने चाहिए. Plus हमारा body language negative नहीं होना चाहिए. अगर आप में से किसी ने थोड़ा बहुत मास कम्युनिकेशन एंड दूसरी चीजें पढ़ी होंगी, तो उसमें बताया जाता है कि क्लोज्ड आर्म्स, अगर आप बिल्कुल हाथ ऐसे बंद करके खड़े हो क्लास में, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कि आप सामने वाले के थॉट प्रोसेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो. सो हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, ताकि लर्नर्स के मन में अगर कोई डाउट है, दे हैव एनी क्वेश्चन, दे कैन आस्क टू यू. अगर आप बहुत वो खौफनाक वाले टीचर होंगे तो आपकी क्लास में लर्निंग अच्छी नहीं होगी, क्योंकि बच्चे अगर आपसे डरेंगे, अगर आपसे डर के बैठे होंगे, तो आपकी क्लास में डिसिप्लिन बहुत अच्छा होगा, शांति रहेगी आपकी क्लास में. बट लैंग्वेज की क्लास में शांति नॉट इम्पॉर्टेंट. एज पर एनसीएफ 2005, देयर शुड बी सम नॉइज इन द लैंग्वेज क्लासरूम. इट रिप्रेजेंट दैट लर्नर्स आर डेवलपिंग देयर स्पीकिंग स्किल्स. लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन के लिए बच्चों को आपस में बोलने का मौका दिया जाना चाहिए. सो लैंग्वेज की क्लास में अगर पिन ड्रॉप साइलेंस है, इसका मतलब वहां पे लर्निंग नहीं हो रही. अगर आप एनसीएफ 2005 पढ़ोगे, उसमें लिटरली ये लाइन लिखी हुई है, देयर शुड बी सम नॉइज इन द लैंग्वेज क्लासरूम, बिकॉज नॉइज रिप्रेजेंट्स दैट लर्नर्स आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर. नॉट टू मच नॉइज, पर बातचीत का मौका देना चाहिए आपको. सो योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी पॉजिटिव व्हेन यू आर टीचिंग इन योर क्लास, सो दैट लर्नर्स कैन ईजली आस्क यू डाउट्स एंड क्वेश्चंस. अब वो अगर डर के बैठे होंगे तो उनकी लर्निंग अच्छी नहीं होगी. सो दीज आर द माइक्रो स्किल्स रिलेटेड टू स्पीकिंग स्किल्स. नेक्स्ट वी हैव सिचुएशंस. वर्षा, जेस्चर्स होते हैं हमारे, जैसे हाथों के हाव भाव होते हैं. जैसे आप मान लीजिए आप कोई आपके घर मेहमान आते हैं, राइट, और आप उनको ऐसे इशारे से कहते हैं कि हाँ आइए बैठिए, तो ये जो आपके हाव भाव हैं इनको हम कह सकते हैं जेस्चर्स, राइट. तो ये आ जाएगा जेस्चर्स में. स्पीकिंग सिचुएशंस, सो लिसनिंग के टाइम हमने सिचुएशंस पढ़े थे, इंटरक्टिव एंड नॉन इंटरक्टिव. नाउ वी विल डिस्कस सिचुएशंस रिलेटेड टू स्पीकिंग. आप बोल रहे हो, सो कैसे कैसे सिचुएशन हो सकती हैं आपके सामने. देयर विल बी थ्री टाइप ऑफ सिचुएशंस. फर्स्ट इंटरक्टिव, सेकेंड पार्शली इंटरैक्टिव,
स्पीकिंग सिचुएशन एंड थर्ड वन नॉन इंटरैक्टिव स्पीकिंग सिचुएशन. स्पीकिंग सिचुएशन हमारी तीन तरीके की हो गई, इंटरैक्टिव, पार्शियली इंटरैक्टिव एंड नॉन इंटरैक्टिव. इंटरैक्टिव कब होगी? जब आप बोल रहे हो और आपके सामने वाला पर्सन आपको सुन रहा है और फीडबैक दे रहा है. सो व्हेन यू स्पीक एंड यू गेट फीडबैक, सच टाइप ऑफ सिचुएशन विल बी इंटरैक्टिव. आई विल रिपीट, व्हेन यू आर स्पीकिंग एंड यू आर गेटिंग फीडबैक्स इन रिटर्न, सच टाइप ऑफ सिचुएशन विल बी इंटरैक्टिव. नॉन इंटरैक्टिव, यू आर स्पीकिंग एंड यू आर नॉट गेटिंग फीडबैक, दैट विल बी नॉन इंटरैक्टिव. आप बोल रहे हो पर आपके सामने आपको कोई फीडबैक देने वाला नहीं है, सच टाइप ऑफ स्पीकिंग सिचुएशन विल बी नॉन इंटरैक्टिव स्पीकिंग सिचुएशन. पार्शली इंटरैक्टिव क्या हुआ? यहां फीडबैक है, यहां फीडबैक नहीं है. What do we understand by partially interactive speaking situation? कोई example आप में से देना चाहे? Which situation can be considered as partially interactive? So यहां feedback है, यहां feedback नहीं है, ये किस तरीके की situation होगी? Any example आप में से कोई बताना चाहे कि अच्छा इस वाली situation को हम partially interactive कह सकते हैं. एनी एग्जाम्पल आप में से, एनीबडी? जी शिवानी, नहीं मालूम, और कोई गेस करें? सो आपको हो गए, मैम ने आसान वाला बता दिया, मुश्किल वाला पूछ लिया हमसे. स्टिल आई वॉन्ट यू टू थिंक, थोड़ा सोचिए और बताइए इसके अंदर आप किस तरीके की सिचुएशन को कंसिडर कर सकते हैं. इंद्रेश बता रहे हैं करस्पॉन्डेंस. जी पूजा बता रही है कि हम सुन रहे हैं, कुछ समझ में आया कुछ नहीं आया. कोई फीडबैक दे रहा है कोई नहीं दे रहा? अंजलि बता रहे हैं. ओके, दीपिका भी यही कह रहे हैं कि समटाइम्स वी गेट फीडबैक समटाइम्स वी नॉट. वर्षा कह रही है बोथ. पूजा पांडे कह रही है थोड़ा फीडबैक मिलेगा. अब सही जा रहे हो पूजा पांडे, आपने कहा थोड़ा फीडबैक. सो जब हम सामने सामने बात करते हैं हम एग्जैक्टली फीडबैक दे सकते हैं. जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने बोल रही हूँ और आप मुझे सुन रहे हो और आप ये मुझे कमेंट्स लिख रहे हो, सो यू आर गिविंग मी एग्जैक्ट फीडबैक. आप लिख रहे हो कि मैम समझ में आ गया, आप लिख रहे हो मैम समझ में नहीं आया, आप लिख रहे हो कि मैम एक और एग्जाम्पल देना, आप लिख रहे हो कि मैम एक बार और बताना. सो दीज आर क्लियर फीडबैक्स, राइट? पर जैसे मैंने शुरू में डिस्कस करा था, वो जो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन, क्वेश्चन मार्क वाले एक्सप्रेशन, जहां पे आप कोई सेंटेंस नहीं बोलते पर आप स्पीकर को एक आइडिया दे देते हो कि हाँ भाई ये फीडबैक है. वी आर नॉट फ्रेमिंग सेंटेंसेस, पर अपने बॉडी लैंग्वेज से, सर्टेन साउंड से हम हल्का फुल्का आइडिया दे देते हैं. जैसे मान लीजिए कोई सभा चल रही है, कोई बड़े मिनिस्टर स्पीच दे रहे हैं और उनकी सभा में लोग तालियां बजा रहे हैं, सो दैट क्लैपिंग विल गिव फीडबैक टू द स्पीकर कि वो जो बातें बोल रहा है या जो एग्जाम्पल्स कोट कर रहा है या जो थॉट प्रोसेस शेयर कर रहा है वो ऑडियंस को क्लियर हो रहा है एंड दे आर इन कनेक्शन विद द स्पीकर. सो वो जो क्लैपिंग हुई उस सिचुएशन को हम कहाँ इंक्लूड कर सकते हैं? पार्शली इंटरैक्टिव स्पीकिंग सिचुएशन में. जो वो मंत्री हैं जो सभा में बोल रहे हैं, जिनके सामने 5,000 लोग बैठे हैं, वो जब क्लैपिंग कर रहे हैं, इस तरीके की सिचुएशन को हम कहाँ इंक्लूड कर सकते हैं? पार्शियली इंटरैक्टिव. सो नोबडी इज फ्रेमिंग अ सेंटेंस, कोई एक सेंटेंस या वाक्य के थ्रू फीडबैक नहीं दे रहा पर तालियां बजा के फीडबैक दे रहा है कि हाँ हम आपके साथ हैं.
मान लीजिए कोई सिंगिंग शो चल रहा है, somebody is singing, और बहुत बेकार गा रहा है, किसी को मजा नहीं आ रहा है, या कोई जोक सुना रहा है, बहुत बेकार जोक सुना रहा है, और लोग उठ उठ के जा रहे हैं, तो ये जो उठ के जा रहे हैं ये स्पीकर को अगेन फीडबैक दे रहा है कि वी आर नॉट एंजॉइंग वॉट एवर यू आर स्पीकिंग. क्लैपिंग से एग्जैक्टली सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं होता. जब आप, जी मनीषा ने कहा है क्लैपिंग, तो पूरा फीडबैक हो गया मनीषा. ये जो स्पीकर है उसको हिंट्स मिलते हैं, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है. या जैसे हमने कहा कि भाई थोड़ा फीडबैक दे रहे हैं, वी आर नॉट एग्जैक्टली गेटिंग द फीडबैक. नो बडी इज फ्रेमिंग द सेंटेंस कि यस मिस्टर मिनिस्टर वी आर इन सपोर्ट विथ यू, यस यस मिनिस्टर वॉट एवर यू सेड इज क्लियर टू मी, ये वाली सेंटेंसेस नहीं बोल रहे हैं, पर ये थोड़ा बहुत फीडबैक दे रहे हैं. सो इसलिए हम इसको ये भी नहीं कह रहे हैं, अगर मान लीजिए हम उसको कंसिडर नहीं करते तो हम कहाँ डालते, नॉन इंटरक्टिव में, या हम उसको पूरा फीडबैक कंसिडर करते तो कहाँ इंक्लूड करते, इंटरक्टिव में. पर ये थोड़ा बहुत फीडबैक है, इसलिए हम उसके लिए हमने अलग अलग कैटेगरी बनाई है, एंड दैट इज टर्म्ड एज पार्शली इंटरक्टिव स्पीकिंग सिचुएशन. इट इज नॉट सेम एज फेस टू फेस कम्युनिकेशन और टेलीफोनिक कम्युनिकेशन और वीडियो कॉल कम्युनिकेशन. ठीक है, या जैसे चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, पार्शली में. सो लिसनिंग के टाइम दो ही कैटेगरी थी, फीडबैक दे सकते हैं फीडबैक नहीं दे सकते. स्पीकर के लिए ये हमने तीन कैटेगरीज लिखी हुई हैं. जी यशी मैम, पार्शली समझ नहीं आ रहा, कोई एग्जाम्पल लेके बताइए. यशी जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि मान लीजिए समबडी इज, आप कोई टैलेंट शो वाला प्रोग्राम देख रहे हो और कोई जोक सुना रहा है, और जोक सुना रहा है बहुत बोरिंग जोक सुना रहा है, सो हम उसको जाके ये नहीं कह रहे हैं कि मिस्टर राहुल द जोक्स यू आर शेयरिंग विथ अस आर नॉट एट ऑल फनी, यू शुड ट्राई टू लर्न मोर फनी जोक्स. हम ऐसे जाके उनके सामने स्टेटमेंट नहीं बोल रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम वहां से उठ के चले जा रहे हैं. तो ये जो हम उठ के जा रहे हैं ये स्पीकर को हल्का फुल्का आइडिया दे रहा है, राइट. हम जाके उनको डायरेक्टली अपना फीडबैक नहीं दे रहे हैं कि यार आप बहुत बकवास जोक सुना रहे हो, हमें हंसी नहीं आ रहा, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, पर हम उठ के जा रहे हैं. सो ये हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जो फेशियल एक्सप्रेशन है, ये जो जेस्चर्स हैं, इनके थ्रू हम फीडबैक दे रहे हैं. ये कहाँ आ जाता है, पार्शली इंटरक्टिव में. जी शांता, करेक्ट समझ रहे हैं आप. जी मनीषा, करेक्ट समझ रहे हैं आप. इसके अंदर जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज आ जाते हैं. सो क्लियर फीडबैक नहीं है, एम्बिगुअस फीडबैक है, राइट. ये स्पीकर के ऊपर है वो उसको किस तरीके से परसीव करता है ना. बहुत क्लियर फीडबैक नहीं होता. ठीक है शी, क्लियर हो गया है आपको. सो हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पॉइंट नोट कर लें. इंटरेक्टिव के अंदर हम एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, फेस टू फेस, फेस टू फेस, टेलीफोनिक, वीडियो कॉल्स. पार्शली इंटरैक्टिव के अंदर हम एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं लाइक स्पीच, स्पीच परफॉर्मेंसेस, एक्सेट्रा, शोज, नॉन इंटरक्टिव. नॉन इंटरक्टिव में यू आर स्पीकिंग एंड नो बडी इज गिविंग फीडबैक. इसका कोई एग्जाम्पल शेयर करें, नॉन इंटरक्टिव सिचुएशन का, एनी एग्जाम्पल व्हेन यू आर स्पीकिंग बट नो बडी इज देयर टू गिव यू फीडबैक. कोई एग्जाम्पल इस सिचुएशन का. जी ट्राई करें, यशी, मनीषा, शिवानी, एनीबडी, इंद्रेश, पूजा पांडे. जी आपने जो बताया था, आपने कहा था कि कुछ बच्चे फीडबैक देंगे और कुछ बच्चे फीडबैक नहीं देंगे. सो जो बच्चे फीडबैक दे रहे हैं दे आर फ्रेमिंग कंप्लीट सेंटेंसेस. उन बच्चों के केस में टीचर की सिचुएशन कैसी हो गई, इंटरक्टिव सिचुएशन. जो बच्चे अपने फेशियल एक्सप्रेशन से फीडबैक दे रहे हैं
उन बच्चों के लिए टीचर की सिचुएशन हो गई पार्शियली इंटरैक्टिव, और जो बच्चे फीडबैक नहीं दे रहे हैं उन बच्चों के लिए टीचर की सिचुएशन हो गई नॉन इंटरैक्टिव स्पीकिंग सिचुएशन। तो वो जो आपकी क्लास में 35-40 बच्चे हैं, डिपेंड करता है कि वो कैसे फीडबैक दे रहे हैं, उन फीडबैक्स के बेसिस पे टीचर की अलग-अलग स्पीकिंग सिचुएशन हो सकती है। करेक्ट था आपका भी। जी रश्मि बता रहे हैं टेलीविजन अनाउंसमेंट, आकांक्षा रिकॉर्डेड वीडियोस, करेक्ट है, हम समझ रहे हैं। सो इफ आई एम स्पीकिंग, मान लीजिए यही वाली सिचुएशन है, मैं ये वाला टॉपिक रिकॉर्ड कर रही होती पर आप सब वहां पे मेरे साथ लाइव जुड़े हुए नहीं होते हैं। ठीक है, सो इसको समझिए स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से। माई स्पीकिंग स्किल्स, आई एम स्पीकर एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। अब अगर आप सारे लाइव नहीं होते और मुझे फीडबैक नहीं दे रहे होते तो मेरे लिए कैसी स्पीकिंग सिचुएशन होती? नॉन इंटरैक्टिव। मुझे जो भी टॉपिक एक के बाद एक के बाद एक टॉपिक मैं पढ़ाती जाती, मुझे फीडबैक नहीं मिलता तो मैं कभी भी रिपीट नहीं करती, मैं कोई चीज क्लैरिफाई नहीं करती, मैं अपने अजम्पशन से कि अच्छा मैंने इतना बता दिया है इससे सबको समझ आ ही जाएगा, फिर मैं अगले टॉपिक पे चली जाती। पर ये जो आपके फीडबैक्स आ रहे थे इसकी वजह से मेरी कैसी सिचुएशन हो गई? इंटरैक्टिव स्पीकिंग सिचुएशन। लेकिन यही मैं बाद में देखने के लिए रिकॉर्ड कर रही होती क्लास, तो सच टाइप ऑफ स्पीकिंग विल बी नॉन इंटरैक्टिव। जी नॉन इंटरैक्टिव में आता ये सब। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इसके अंदर वी कैन नोट डाउन रिकॉर्डेड स्पीच। अब ये रिकॉर्डेड स्पीच रेडियो के लिए हो सकता है, टेलीविजन के लिए हो सकता है, किसी तरीके के वीडियो के लिए हो सकता है, रिकॉर्डेड स्पीच। जी पूजा करेक्ट है, शिवानी करेक्ट, दीपिका दीपिका आप जो पॉइंट लिख रहे हो सेकंड में स्पीच कैसे हुआ, आप स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। स्पीकर बोल रहा है और ऑडियंस उसके सामने फीडबैक दे रही है। सो ऑडियंस दे आर डेवलपिंग देयर लिसनिंग स्किल एंड स्पीकर इज डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल। तो जो बोल रहा है उसके लिए ये सिचुएशंस हैं। तो अगर उस बंदे को फीडबैक मिल रहा है उसके लिए कैसी स्पीकिंग सिचुएशन हो गई? इंटरैक्टिव। अगर उस स्पीकर को फीडबैक इशारों में मिल रहा है उस स्पीकर के लिए हो गया पार्शियली इंटरैक्टिव। अगर स्पीकर को फीडबैक नहीं मिल रहा उसके लिए हो जाएगा नॉन इंटरैक्टिव। ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं किसके तरफ से? स्पीकर की तरफ से, स्पीकिंग स्किल्स को ध्यान में रखते हुए। मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा दीपिका, फीडबैक देगा लिसनर ही, पर ये सिचुएशन किसकी है? स्पीकर की है। ठीक, दैट्स व्हाई मैंने लिखा है स्पीकिंग सिचुएशंस, जो बोल रहा है उससे रिलेटेड सिचुएशंस। ठीक है, सो थ्री टाइप ऑफ स्पीकिंग सिचुएशंस वी हैव, इंटरैक्टिव, पार्शियली इंटरैक्टिव एंड नॉन इंटरैक्टिव। ठीक है, आगे हम इसमें कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल स्टडी स्पीकिंग स्ट्रैटेजीज। अंशु जी आपका मैसेज कमेंट्स आ रहे होंगे, शायद मैं मिस कर गई हूं, तो अगर आपने कोई सवाल पूछा आप एक बार दोबारा पूछ लो, आई विल गिव यू द आंसर। अंशु मलिक आपका मैसेज शायद मैं मिस कर गई हूँ रिस्पॉन्सेस के बीच में। स्पीकिंग सिचुएशन, सॉरी स्पीकिंग स्ट्रैटेजीज। जी सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी विल डिस्कस स्पीकिंग स्ट्रैटेजी। नाउ अज्यूम योर्स, इट्स ओके मैम, ऑल क्लियर। ठीक है अंशु जी, क्लियर है, देन इट्स गुड। होपफुली शायद आपने किसी चीज का आंसर लिखा हो गया, मिस हो गया मेरे से। सो स्पीकिंग स्ट्रैटेजीज, अब अज्यूम करिए यू ऑल आर इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स
एंड यू आर डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल्स ऑफ योर लर्नर्स. आप इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स हैं और अपने लर्नर्स को इंग्लिश स्पीकिंग सिखा रहे हैं. सो उनके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं? लर्नर्स क्या करते हैं? सो ऐसी क्लास है, आप उनको नया लैंग्वेज सिखा रहे हैं, इंग्लिश सिखा रहे हैं डे वन से. आर दे हैविंग फुल कमांड ऑन इंग्लिश फ्रॉम डे वन? बिल्कुल अच्छे से इंग्लिश आ रही होगी उन सबको, आपके स्टूडेंट्स को, आपके लर्नर्स को? बिल्कुल पहले दिन से दे हैव सुपर कमांड ऑन वोकैबुलरी एंड दे नो हाउ टू फ्रेम करेक्ट सेंटेंसेस एंड ऑल दोस थिंग्स. आ रही होगी उनको इंग्लिश अच्छे से? आप बताएं इंग्लिश लैंग्वेज के प्रस्पेक्टिव से. नहीं है ना? पूजा बता रहे हैं कि नहीं आ रहा होगा, पहले दिन से नहीं आ रहा है लर्नर्स को. सो अब क्या करते हैं, दे फ्रेम सर्टेन स्पीकिंग स्ट्रैटेजीज इन दी क्लासेस. कुछ स्ट्रैटेजी बनाते हैं और कहीं ना कहीं हम उनको सपोर्ट करते हैं. जी इंद्रेश, शिवानी, पिंटू सही आंसर्स दे रहे हैं, पहले दिन से नहीं आ रहा होगा. सो इस केस में लर्नर्स क्या करते हैं? जी पूजा सही बताया आपने, दे विल लर्न ग्रेजुअली, थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे. शुरू में कुछ चीजें आएंगे, फिर और इम्प्रूव करेंगे, फिर और इम्प्रूव करेंगे. राइट, करेक्ट इरा, करेक्ट रुपेश. सो अब इसके लिए वो स्ट्रैटेजीज क्या बनाते हैं? देयर आर थ्री स्टेजेस. हमारा पहला स्टेज है यूजिंग मिनिमल रिस्पॉन्स. यूजिंग मिनिमल रिस्पॉन्स. मिनिमल समझ रहे होगे आप, थोड़ा कम से कम. सो शुरू में वो क्या करते हैं, दे प्रोवाइड मिनिमम रिस्पॉन्सेस. अब ये जो मिनिमम रिस्पॉन्सेज है ये कैसे देंगे लर्नर्स? दे विल गिव वन वर्ड आंसर्स. शुरू में आप जब उनसे इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछोगे, इंग्लिश में कुछ सवाल पूछोगे, इंग्लिश में कुछ आंसर देने को बोलोगे, व्हाट दे विल प्रेफर, दे विल चूज वन वर्ड आंसर्स. जैसे मान लीजिए आपने पूछा ताजमहल वॉज बिल्ड बाय, सो टेक्निकली हमारा करेक्ट आंसर बनता है ताजमहल वॉज बिल्ड बाय शाहजहां. पर अभी उनका इंग्लिश के ऊपर इतना कमांड नहीं हुआ है कि वो फुल फ्लेज्ड करेक्ट सेंटेंस बना पाए. तो शुरुआत में वो कैसे आंसर्स देते हैं, दे विल गिव आंसर्स लाइक शाहजहां. राइट, तो इस तरीके से दे प्रिफर वन वर्ड आंसर्स और दे गिव आंसर्स इन यस नो ट्रू फॉल्स. जहां पे वो इंग्लिश समझ तो रहे हैं पर अभी इतना कमांड नहीं आया है कि फुल फ्लेज्ड इंग्लिश सेंटेंसेस फ्रेम कर सकें. जी अंशु आप सही बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे. सो लर्नर्स क्या करते हैं, वो पहला स्टेप फॉलो करते हैं, दे चूज मिनिमल रिस्पॉन्सेस. क्लास के अंदर कम से कम रिस्पॉन्स देके अपने काम चलाने की कोशिश करते हैं. और ये कम से कम रिस्पॉन्स क्या होता है, दे विल गिव वन वर्ड आंसर्स और दे विल गिव देयर आंसर्स इन यस नो और ट्रू फॉल्स एंड समटाइम्स दे यूज फेशियल एक्सप्रेशंस. राइट, अब इसके बाद थोड़ी और इंग्लिश उनको आएगी. सो सेकेंड स्टेप की स्ट्रैटी हो जाएगी, सेकेंड स्टेप स्ट्रैटेजी विल बी रिकॉग्नाइजिंग स्क्रिप्ट्स. डू वी अंडरस्टैंड स्क्रिप्ट? कहीं सुना है हमने? रिकॉग्नाइज का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय स्क्रिप्ट? कहीं सुना है हमने? सो मूवीज के केसेस में आपने सुना होगा कि हीरो को स्क्रिप्ट दी गई, उसने स्क्रिप्ट पढ़ा, उसको स्टोरी अच्छी लगी एंड उसने अग्री कर दिया कि ओके मैं आपके साथ ये मूवी बनाऊंगा एंड ऑल दोस थिंग्स. सो स्क्रिप्ट इज कुछ फिक्स्ड स्टेटमेंट्स और सेंटेंसेस. मूवीज के केस में वो स्टोरीज हो जाते हैं, डायलॉग्स हो जाते हैं. हमारे क्लासरूम कम्युनिकेशन या स्पीकिंग स्किल के प्रस्पेक्टिव से स्क्रिप्ट्स आर सर्टेन फिक्स्ड स्टेटमेंट्स. कुछ फिक्स्ड स्टेटमेंट्स जो लर्नर्स अलग अलग सिचुएशन में यूज करते हैं. सर्टेन फिक्स्ड स्टेटमेंट्स जो लर्नर्स अलग अलग सिचुएशन में
यूज करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी, जैसे उनके किसी दोस्त का बर्थडे पर हो गया, जन्मदिन है, सो कौन सा इंग्लिश का स्टेटमेंट बोलेंगे? हैप्पी बर्थडे। कोई थोड़ा सा एडवांस्ड होगा, ज्यादा इंग्लिश आती होगी, तो वो बोलेगा मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो ये जो फिक्स्ड लाइन है, इसको हम क्या कहेंगे? स्क्रिप्ट। उनको क्लास से बाहर जाना है, पानी पीना है, आप सब रिकॉग्नाइज करेंगे, आपको याद आएगा हम सब ने स्कूल लेवल पे एक फिक्स्ड लाइन बोली है, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। कोई कैन नहीं यूज करता, कोई कुड यूज नहीं करता, कोई शैल यूज नहीं करता। हर स्कूल में हर बच्चा यही फिक्स लाइन बोलता है, मैम या सर मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। क्यों वो यूज करते हैं? क्योंकि टीचर ने उनको ये स्क्रिप्ट सिखा दिया है कि तुम्हें जब भी क्लास से बाहर जाना होगा, यू कैन ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। कोई गलती हो जाए, दे से आई एम सॉरी। पेन मांगना है, मे आई बोरो योर पेन। और सर्टन टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स, क्लास के अंदर आना है, दे ऑलवेज आस्क मे आई कम इन, राइट? तो ये जो फिक्स्ड स्टेटमेंट्स हैं, इसको हम क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट्स कहते हैं। सो इसके अंदर हम नोट डाउन कर सकते हैं, लर्नर्स यूज डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, लर्नर्स यूज डिफरेंट स्क्रिप्ट्स इन डिफरेंट सिचुएशंस, लर्नर्स यूज डिफरेंट स्क्रिप्ट्स इन डिफरेंट सिचुएशंस, एंड दीज स्क्रिप्ट कैन बी ग्रीटिंग्स लाइक हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, मैरी क्रिसमस, राइट? ग्रीटिंग्स हो गए, देन अपॉलोजी, सो पार्डन सॉरी इसके अंदर आ जाता है, देन कॉम्प्लीमेंट्स, एक्सेट्रा। सो पहली स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करी? कम से कम आंसर दिया। फिर सेकेंड स्टेज पे उन्होंने कुछ फिक्स्ड लाइनें याद कर ली हैं, उनको अलग अलग सिचुएशंस में यूज कर रहे हैं। तीसरा हो जाएगा यूज लैंग्वेज टू लर्न अ लैंग्वेज, यूज लैंग्वेज टू लर्न ए लैंग्वेज, यूज लैंग्वेज टू लर्न अ लैंग्वेज। सो इसके अंदर क्या होता है? लर्नर्स एक लैंग्वेज को सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लैंग्वेज। सो इंग्लिश सीखते हैं, अब इंग्लिश सीखने के लिए वो इंग्लिश और अपने मदर टंग का इस्तेमाल करते हैं। मदर टंग विल वैरी फ्रॉम लर्नर टू लर्नर, एंड वी टीचर वी कैन ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ आर लर्नर्स मदर टंग टू टीच द सेकेंड लैंग्वेज विच इज इंग्लिश लैंग्वेज। सो एज पर एनसीएफ 2005, हम जब लर्नर्स को इंग्लिश सिखा रहे हैं और किसी टॉपिक को समझाने में, हमें ऐसा लगता है कि अगर हम पूरा इंग्लिश में समझाएंगे हमारे लर्नर्स को शायद उतने अच्छे समझ में ना आए, इन दैट सिचुएशन वी कैन ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ आर लर्नर्स मदर टंग। हम हमेशा जब भी जरूरत पड़े, इट्स नॉट लाइक ऑलवेज, पर जब भी जरूरत पड़े हम अपने लर्नर्स के मदर टंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थर्ड स्टेज में दे टेक हेल्प ऑफ लैंग्वेज टू लर्न अ लैंग्वेज। सो इसमें कह सकते हैं दे वर्क ऑन डिफरेंट डिफरेंट और वी कैन से वेरियस कम्युनिकेशन सिचुएशंस, वेरियस कम्युनिकेशन सिचुएशंस दैट दैट दे एनकाउंटर इनसाइड और आउटसाइड क्लास। सो जरूरी नहीं है कि इंग्लिश सिर्फ क्लास के अंदर ही सीखी जाए, कई बार लर्नर्स इंग्लिश क्लास के बाहर भी सीखते हैं, घर में सीखते हैं, लाइब्रेरी में सीखते हैं, दोस्तों से बात करते हुए सीखते हैं, रिश्तेदारों से बात करते हुए सीखते हैं। दैट्स व्हाई हमने लिखा है
they come across various communication situations that they encounter, जो वो face करते हैं inside और outside class. Class के अंदर teacher सिखाते हैं और class के बाहर they discuss or they do communication with different people and then they learn English. ठीक है. So ये था हमारे speaking strategies. कोई question कुछ clear ना हो, ये learners के point of view से है. शुरू में वो कम से कम answer देते हैं, फिर slowly gradually वो certain statements सीख लेते हैं और उसके बाद और वो एक language सीख लेते हैं with the help of a लैंग्वेज. ये जो लैंग्वेज है ये टारगेट लैंग्वेज हो सकती है, ये जो लैंग्वेज है ये उनकी मदर टंग हो सकती है. सो दीज आर दी थ्री स्पीकिंग स्ट्रेटजीज. नेक्स्ट हम इसी में पढ़ेंगे नॉलेज एरियाज ऑफ स्पीकिंग. नॉलेज एरियाज ऑफ स्पीकिंग. क्लियर है? ठीक है पूजा, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. नॉलेज एरियाज ऑफ स्पीकिंग पढ़ते हैं. देर आर थ्री एरियाज. फर्स्ट वन इज मैकेनिक्स. मैकेनिक्स. सेकेंड वी हैव फंक्शन. And third we have social and cultural norms. So mechanics के अंदर क्या क्या आता है? In mechanics this represents using right word. Using right word in right order, right word in right order with right sound. जी इंद्रेश, मैंने मदर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर बता रही हूँ. मदर टंग का इस्तेमाल बोला है मैंने. सो इंग्लिश पढ़ाते समय मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, लेट्स से आप नाउन पढ़ा रहे हो, नाउन के टाइप्स पढ़ा रहे हो और कहीं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में फॉर एग्जाम्पल आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा रहे हो. सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज व्हाट? नेम ऑफ एन आइडिया और कंसेप्ट. और आप इंग्लिश में समझा रहे हो लर्नर्स को, पूरी कोशिश कर रहे हो, यू आर टेकिंग डिफरेंट एग्जांपल्स, यू आर टेकिंग डिफरेंट वर्ड्स, एक्सप्लेन कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भाई मैं उतने अच्छे से नहीं क्लियर हो पा रहा हूँ. तो लर्नर्स की मदर टंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल लर्नर्स की मदर टंग है हिंदी. सो हम थोड़ा सा उसका हेल्प ले सकते हैं. हम कह सकते हैं जैसे आपने संज्ञा पढ़ी होगी, संज्ञा में हमारे भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो थोड़ा सा ये उनको समझने में हेल्प कर देता है. सो आई एम नॉट सेइंग वी विल टीच लर्नर्स मदर टंग, आई एम सेइंग वी विल टेक हेल्प ऑफ लर्नर्स मदर टंग टू टीच आर इंग्लिश लैंग्वेज. जरूरत पड़ने पे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीए 2005 ने बोला है कि जब आप टारगेट लैंग्वेज पढ़ाते हो और लर्नर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है लर्निंग, उनको चीजें समझ में आनी चाहिए. सो इट्स नॉट लाइक कि मैंडेटरी कि हम इंग्लिश इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे. हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो हम जो उनको समझा रहे हैं. तो अगर आप फिगर ऑफ स्पीच के लिए अलंकार बोल देते हो और इससे आपके स्टूडेंट्स को समझ में आ जाता है, इसमें कोई बुराई नहीं है. यू कैन ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ लर्नर्स मदर टंग व्हाइल टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज. मैं ये कहना चाह रही थी.
जी सोनम कह रही है मैम 1 वीक में एटलीस्ट 2 वर्कशीट प्रोवाइड कर दो। ठीक है सोनम, मैं आपका फीडबैक कंसिडर करूंगी एंड आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू 2 वर्कशीट्स। एक वर्कशीट में आपको पैराग्राफ बेस्ड प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें एटलीस्ट 2 पैराग्राफ्स हो, आप उनको प्रैक्टिस कर सको, और एक वर्कशीट हम पेडागोजी को के ऊपर शेयर कर सकती हूँ मैं, सो दैट हमने जो टॉपिक डिस्कस करा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाए और आप उसको सॉल्व कर सको। ठीक है सोनम, पॉइंट कंसिडर्ड। बिल्कुल, मैं ये कर लूंगी, आई विल इंश्योर आई विल डू दैट। ठीक है, सो हम डिस्कस कर रहे थे मैकेनिक्स, यूजिंग राइट वर्ड इन राइट ऑर्डर विथ राइट साउंड। अब ये राइट वर्ड, राइट ऑर्डर और राइट साउंड क्या है? राइट वर्ड है हमारा वोकैबुलरी, राइट ऑर्डर इज ग्रामर। अगर आपको याद हो इंग्लिश का सेंटेंस कैसे बनता है, व्हाट इज द फॉर्मूला? SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इस ऑर्डर को कौन बताता है? ग्रामर। पूजा पांडे मैम, मॉक टेस्ट कब अपलोड होगा? पूजा, मॉक टेस्ट भी अपलोड होगा, मैं एक बार बैक एंड टीम से शेयर कर लूंगी आपका फीडबैक कि आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर दिया जाए सो दैट आप प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, मैं आपका पॉइंट डिस्कस कर लूंगी। सो राइट ऑर्डर इज ग्रामर एंड राइट साउंड इज प्रनंसिएशन। सो थ्री इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ लैंग्वेज, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड प्रनंसिएशन। ठीक, नेक्स्ट हमने लिखा है फंक्शन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पीकिंग? स्पीकिंग क्यों किया जाता है? स्पीकिंग किया जाता है फॉर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड वी कैन यूज द टर्म फॉर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, वी कैन यूज द टर्म कम्युनिकेशन। एंड व्हाट आर सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स? सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स, जब हम सोसाइटी में बात करते हैं, वी टेक केयर ऑफ द एटिकेट्स रिलेटेड टू स्पीकिंग। सो मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हूं, लेट्स से मैं किसी फ्यूनरल में गई हूँ, वी अंडरस्टैंड फ्यूनरल, व्हेन समबडी इज डेड, और आप उस परिवार से मिलने जाते हो। सो इफ आई एम अटेंडिंग अ फ्यूनरल, कैन आई शेयर कि नेक्स्ट वीकेंड हम गोवा जा रहे हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट गोइंग गोवा, कैन आई शेयर दिस हैप्पी न्यूज विथ एवरीबडी? अरे तुम्हें पता है मैं गोवा जा रही हूँ, अरे तुम्हें पता है मैं गोवा जा रही हूँ, कैन आई स्पीक लाइक दैट? नो, आई हैव टू टेक केयर ऑफ द सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स। आई एम इन अ सिचुएशन वेयर इन पीपल आर सैड, सो आई विल टेक केयर ऑफ दिस। मान लीजिए आप रास्ते में अपने किसी दोस्त से मिलते हो, तो आप उसे कहते हो और यार कैसे हो, पर कैन यू से दिस सेम स्टेटमेंट टू योर प्रिंसिपल? रास्ते में आपको प्रिंसिपल मिल जाए और आप उनसे कहो और यार कैसे हो, क्या चल रहा, कैन यू से लाइक दैट? नहीं, यू ऑलवेज टेक केयर ऑफ, इट्स अ फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो ये जो फॉर्मल और इनफॉर्मल वाली चीज है वो किसमें आती है? सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स में। वी ऑलवेज टेक केयर ऑफ द एटिकेट्स एंड द नॉर्म्स। सो इसमें हम लिख सकते हैं व्हाट टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक इन, व्हाट और विच सिचुएशन एंड टू हूम। हम ध्यान रखते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, किस सिचुएशन में बोल रहे हैं और किससे बोल रहे हैं। ये सब किस में आ जाता है? सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स के अंदर। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट योर नॉलेज एरियाज ऑफ स्पीकिंग। हमारे मैकेनिक्स हो गए, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड कम्युनिकेशन। फंक्शन हो गया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पीकिंग? फंक्शन हो गया ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, इन अदर वर्ड्स कम्युनिकेशन। एंड व्हेन वी स्पीक
वी ऑलवेज टेक केयर ऑफ सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स, यानी व्हाट टू स्पीक इन व्हाट सिचुएशन एंड टू हूम। ठीक है, और हमारे स्पीकिंग में एक लास्ट सेक्शन या लास्ट टॉपिक है टेक्निक्स फॉर टीचिंग स्पीकिंग। सो आज हम अपना लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल कंप्लीट कर रहे हैं, नेक्स्ट वाली क्लास में वी विल कंप्लीट आर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। सो नेक्स्ट टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ टीचिंग स्पीकिंग। सो जब आप स्पीकिंग सिखा रहे हैं, यू टेक केयर ऑफ थ्री टेक्निक्स और यू फॉलो थ्री टेक्निक्स। पहला है हमारा लैंग्वेज इनपुट, लैंग्वेज इनपुट, देन स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, एंड थर्ड वी हैव कम्युनिकेटिव आउटपुट। सो दिस इज इनपुट। जी दीपिका, समटाइम्स वी गेट फीडबैक एंड समटाइम्स वी आर नॉट। जी दीपिका, सो इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट क्या होता है? कोई चीज प्रोवाइड करना। एंड आउटपुट क्या होता है? जब आप कोई इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हो। सो दिस इज समवॉट लाइक रिसीविंग एंड दिस इज समटाइम्स लाइक प्रोड्यूसिंग, इनपुट एंड आउटपुट। सो जब हम स्पीकिंग सिखाते हैं, वी टेक केयर ऑफ दीज थ्री थिंग्स। हम लैंग्वेज रिलेटेड इनपुट अपने लर्नर्स को प्रोवाइड करते हैं। हम जो क्लास के अंदर इंग्लिश बोल रहे हैं, हम जो वोकैबुलरी सिखा रहे हैं, वी आर टीचिंग ग्रामर, वी आर टीचिंग सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वी आर टीचिंग प्रीफिक्स सफिक्स, वी आर टीचिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वी आर टीचिंग ईडियम फ्रेजेस एंड ऑल दोस थिंग्स। सो ये सब चीजें जो हम अपने लर्नर्स को सिखा रहे हैं वो क्या है? लैंग्वेज इनपुट। So this can, this will include information from teacher, information from teacher, the different activities, classroom activities, what else, learners they read paragraphs, so reading passages, and we can include here language heard and read आउटसाइड क्लास। सो जो टीचर ने इंग्लिश यूज करा, जो क्लास के अंदर उसने एक्टिविटीज कराई जहां पे लर्नर एंड लर्नर दे कम्युनिकेटेड विद टीच अदर, जो लर्नर ने पैराग्राफ्स पढ़े, पोएम्स पढ़े, जो लैंग्वेज उन्होंने क्लास के बाहर सुनी या पढ़ी, एवरीथिंग इन इंग्लिश, दैट विल बी कंसिडर्ड एज लैंग्वेज इनपुट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है सेंटेंस स्ट्रक्चर, एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर इज ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज। सो जिस भी क्वेश्चन में अगर स्ट्रक्चर लिखा है, आपके लिए हिंट है, ये वाला क्वेश्चन हमारा ग्रामर के ऊपर फोकस कर रहा है। ध्यान रखेंगे, स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है? सेंटेंस स्ट्रक्चर। और सेंटेंस स्ट्रक्चर किससे बनता है? ग्रामर से बनता है। तो जिस भी पॉइंट में आपको स्ट्रक्चर दिखे
वो पॉइंट, वो क्वेश्चन ग्रामर के ऊपर फोकस कर रहा होगा. सो दिस फोकसेस ऑन, दिस फोकसेस ऑन करेक्ट फॉर्म. दिस फोकसेस ऑन करेक्ट फॉर्म, यानी जो इंग्लिश बोली जा रही है या लिखी जा रही है वो सही है या नहीं. जो इंग्लिश बोली जा रही है वो सही है या नहीं, ये हम किसके अंदर ध्यान रखते हैं? स्ट्रक्चर्ड आउटपुट के ऊपर. लर्नर्स जो आउटपुट बना रहे हैं, हम टीचर्स हम ध्यान रखते हैं दैट दे आर यूजिंग करेक्ट फॉर्म. अब अगर वो गलत होते हैं, अगेन इस चीज को बताने के अलग अलग तरीके हैं. वी विल नेवर गो फॉर नेगेटिव रिइंफोर्समेंट. हम कभी भी उनको ह्यूमिलेट नहीं करेंगे, डराएंगे नहीं, पनिश नहीं करेंगे. हम उनको बताएंगे कि दिस इज द राइट फॉर्म. और ये हम कैसे बताते हैं? बात बात में, एग्जाम्पल्स के थ्रू, क्लास में पढ़ाते हुए. वी विल नेवर पिन पॉइंट और ह्यूमिलेट आर लर्नर्स. ये नहीं कि मुर्गा बना रहे हैं. सो दैट इज अ रॉन्ग थिंग. नो नेगेटिव फीडबैक इन द क्लासरूम, सॉरी नेगेटिव री इन्फोर्समेंट इन द क्लासरूम. सो जब वेन एवर दे आर फ्रेमिंग और गिविंग आउटपुट, वी ऑलवेज चेक दैट दे आर यूजिंग द करेक्ट फॉर्म और नॉट. इसमें कौन हेल्प करता है? टेक्स्ट बुक. सो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस, दे हेल्प इन स्ट्रक्चर्ड, हेल्प इन दे हेल्प इन करेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि उसके अंदर सेंटेंसेस. जी सेकेंड पॉइंट मैं आपको बता रही हूं, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, यानी ऐसा आउटपुट जो करेक्ट हो, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट हो. सो वेन एवर देयर लर्नर्स आर प्रोड्यूसिंग आउटपुट, वो क्लास के अंदर जब भी इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, हम ध्यान रखते हैं कि वो करेक्ट इंग्लिश यूज कर रहे हैं या नहीं. और प्लस वो करेक्ट यूज कर रहे हैं नहीं, वो कहाँ चेक कर सकते हैं? टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेस करके. सो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस हेल्प देम इन यूजिंग करेक्ट इंग्लिश. एंड थर्ड है हमारा कम्युनिकेटिव. सो वेन एवर दे आर प्रोड्यूसिंग आउटपुट, वेन एवर दे आर यूजिंग इंग्लिश इन द क्लास रूम, दे आर वी आर फोकसिंग ऑन दैट दे आर कम्युनिकेटिंग और नॉट. सो इसके लिए हम लिख सकते हैं, इट मीन्स कंप्लीटिंग अ टास्क, इट मीन्स कंप्लीटिंग अ टास्क, providing verbal description of some idea, thought और पिक्चर्स एक्सेट्रा. सो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं दैट वेन एवर दे आर यूजिंग इंग्लिश, दे आर फोकसिंग ऑन कम्युनिकेशन और नॉट. कम्युनिकेशन यानी वो इंग्लिश को अपनी बातचीत में यूज कर रहे हैं या नहीं, ये हम चेक करते हैं. सो हम चेक करते हैं कि वो इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर रहे हैं या अपने आंसर्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं. प्लस वो जो आंसर्स दे रहे हैं दे आर ग्रामेटिकली करेक्ट और नॉट, सो इट्स इन करेक्ट फॉर्म और नॉट. और ये चीज वो कर पाए इसके लिए हम उनको लैंग्वेज इनपुट प्रोवाइड करते हैं. सो वेन वी शेयर इंफॉर्मेशन इन द क्लासरूम, वेन एवर दे डू एनी क्लासरूम एक्टिविटी, वेन एवर दे आर रीडिंग एनीथिंग, वेन एवर दे आर हियरिंग समथिंग इन इंग्लिश, दैट विल बी कंसिडर्ड एज लैंग्वेज इनपुट. सो ये तीनों थे हमारे टेक्निक्स फॉर टीचिंग स्पीकिंग. सो टुडे वी डिस्कस्ड लिसनिंग एंड स्पीकिंग. अपनी अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे रीडिंग एंड राइटिंग. और प्रैक्टिस शीट वाला पॉइंट नोटेड है. मैं एक प्रैक्टिस शीट मंडे को अवेलेबल करा दूंगी और एक प्रैक्टिस शीट मोस्ट प्रोबेबली
इन मिड ऑफ द वीक, सो दैट आप दोनों प्रैक्टिस कर सको. थॉट पिक्चर्स लिखा है मैंने, पिक्चर्स पूजा पांडे. सो मैंने लिखा इट मीन्स कंप्लीटिंग अ टास्क, प्रोवाइडिंग वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ सम आइडिया, थॉट और पिक्चर. सो कई बार हम पिक्चर्स देके कहते हैं कि आपको क्या समझ में आया, आप बताओ. कई बार हम किसी चीज के ऊपर उनको अपना थॉट प्रोसेस शेयर करने के लिए बोलते हैं. लेट्स से आप फ्रेंडशिप के ऊपर लिखो, आप समर वेकेशन के ऊपर लिखो या बोलो. सो इट्स अ थॉट, हम कोई आइडिया भी दे देते हैं. ठीक है जी इंद्रेश जी, मैंने लिखा है मीन्स कंप्लीटिंग अ टास्क, प्रोवाइडिंग वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ सम आइडिया, थॉट पिक्चर्स. पिक्चर्स लिखा है मैंने. पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन भी होता है जिसमें तीन चार फोटोज दे दी जाती हैं और लर्नर से कहा जाता है कि इन पिक्चर्स को देख के आपको क्या स्टोरी समझ में आई है ये आप बताइए. दैट इज टर्म्ड एज पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है सो आज की क्लास में इतना ही. रिवाइज करके आएंगे एंड वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज टू स्किल्स, प्लस पैराग्राफ प्रैक्टिस सॉल्व करके आइएगा, उससे रिलेटेड आंसर्स डिस्कस करेंगे. ठीक है सो ध्यान रखें अपना, खुश रहें. बाय.